ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगौरांगा नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। तो प्रेम भक्ति चंद्रिका में आज पांचवी त्रिपदी में भी श्रीपाद आगे श्री गुरु वंदना कर रहे हैं। और आज श्रीपाद बोल रहे हैं चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहां हईते अविद्या वे नाशयते वेदे गाये जहां रचरित। श्री कृष्ण का नित्य दास जीव जो है वो अपने स्वरूप को अपने निज स्वरूप को भूलने के कारण इस स्थूल देह में मैं बुद्धि रख रहा है और स्त्री पुत्र आदि में मेरा ऐसी बुद्धि रख रहा है और इसी के कारण वो नाना देह धारण करके जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि इस संसार में इस दुखद संसार में भोग रहा है। ये पूरे जीव की हम सब जीवों की यही कहानी है। क्या कहानी है कि हम हैं नित्य दास जीवे स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास नित्य कृष्ण दास। हम हमेशा से कृष्ण के दास थे हैं रहेंगे। ये हमारा अस्तित्व कभी बदल नहीं सकता। हम अंश हैं श्री कृष्ण के और वो अंश ही हैं, ये बदल नहीं सकता। परंतु क्योंकि हम ये बात भूल गए हैं, हम अपने स्वरूप को भूलने के कारण हमने ये मैं बुद्धि जो है वो अपने ये स्थूल देह में डाल दी है। और जब मैं इसमें डाली तो स्त्री पुत्र आदि जो है उनमें मेरा, तो ये मैं और मेरा गलत आइडेंटिफिकेशन हो गई। और इसी के कारण हम लोग अनंत काल से, ऐसा नहीं कि दो चार बारी पांच बारी दस बारी से, अनंत काल से अलग 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 देहों को प्राप्त हो रहे हैं और इस दुख सह संसार को भोग रहे हैं। और कितनी विडंबना है कि इतना सुनने के बाद भी समझने के बाद भी हम अभी भी अपने इस देह के जो रिश्ते हैं उन्हीं को अभी भी पूर्ण रूप से अपना जानते हैं। गुरुदेव से हमारा जो संबंध है वो इस देह का नहीं है। इसीलिए आज त्रिपदी में बोला गया जन्मे जन्मे प्रभु से ही। किसी की पत्नी के लिए नहीं बोला जाता जन्मे जन्मे पत्नी से ही, जन्मे जन्मे बच्चे से ही, कहीं नहीं आएगा। केवल गुरुदेव के लिए बोला गया जन्मे जन्मे प्रभु से ही। पर हैरानी की बात है कि इतना सुनने के बाद अभी भी मेरे मन में जितने भी संकल्प बनते हैं वो इस देह से मैं बुद्धि लेके ही बनते हैं। अभी भी हम अभी सुन ले, आज सुन ले, कितना मर्जी सुन ले, लेकिन अभी भी हमारे जीवन का लक्ष्य अपने इस देह की प्रगति में ही लगा हुआ है, मैं और मेरे के संसार में ही लगा हुआ है। तो क्या ये सुनते ही एकदम मैं और मेरा खत्म हो जाना चाहिए? नहीं, मैं और मेरा फीका पड़ना चाहिए, थोड़ा तो हल्का पड़ना चाहिए। ऐसा तो हो जाए कि अब हम उसमें मोह से नहीं बल्कि एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी हम ये सब करते रहे, दायित्व से कि मुझे ये दायित्व मिला है। जैसे अगर आप स्कूल में टीचर हैं तो टीचर आपका दायित्व है। अगर आप किसी कंपनी में मैनेजर हो तो वो मैनेजर आपका दायित्व है, आपको वो निभानी अपनी जिम्मेदारी। पर घर आने के बाद आप कभी ये नहीं बोलते कि मैं मैनेजर, मैं बच्चों को देखूंगी, मैनेजर रोटी बनाएगी, नहीं, ये सब नहीं। अगर कोई स्त्री है तो वो जानती है कि वो मैनेजर का दायित्व है, घर पे नहीं। तो ऐसे ही हमारा जो अस्तित्व है वो भगवान का अंश है, हमारा जो स्वरूप है हम उसको भूल गए।
हमारे जो जन्मे जन्मे प्रभु से ही हैं, जिनसे हमारा संबंध है, वो संबंध हमारा फीका है, और हमारा जो ये पुत्र आदि से, जो स्त्री आदि से जो संबंध है, वो संबंध अभी भी गाढ़ा बना हुआ है, और सारे जीवन का लक्ष्य उन्हीं की प्रगति कराना है। ये साथ में ऐसे चल रहा है जैसे एक सत्कर्म साथ में चलना चाहिए, और वो भी इसीलिए ताकि मेरा ये जो संसार है ये सुखद रहे, मेरा ये संसार सुखद रहे इसीलिए मैंने गुरुदेव से दीक्षा ले ली, मेरा ये संसार सुखद रहे इसीलिए मैंने थोड़ा भजन कर लिया, मेरा ये संसार सुखद रहे इसीलिए मैं हरि नाम कर रहा हूं। पर ये सब तो वेस्ट हो गया, क्योंकि आप जिसके लिए कर रहे हो वो तो शाश्वत है ही नहीं, वो तो अशाश्वत है, वो तो टेम्पररी है। आप मरण देह के लिए सब कुछ कर रहे थे, जबकि मरण देह को भुलाने के लिए सब कुछ करना था। मेरा भजन क्यों है असल में, कि मेरा ये संसार क्षय हो जाए, भजन इसलिए है। मैं नाम क्यों ले रहा हूं, कि मेरा ये संसार से मोह खत्म हो जाए। मैं गुरुदेव से दीक्षा क्यों ली है, ताकि जन्मे जन्मे प्रभु से ही मैं उनसे, जो जन्म जन्म से मेरे प्रभु हैं, मैं उनसे अपना संबंध जोड़ के जो ये संबंध खत्म हो जाएंगे इस देह के साथ, उनसे कम कर सकूं। पर बहुत हैरानी की बात है कि इतना सुनने के बाद भी हम अभी भी अपने सारे संबंध यहीं के गाढ़े कर रहे हैं भजन से, तो बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रहे हैं। इसीलिए चक्षुदान दिलो यही, गुरुदेव क्या करते हैं, चक्षु देते हैं। चक्षु क्या, नयन, नजरें नहीं, नजरिया बदल देते हैं, नजरिया बदल जाएगा इस संसार को देखने का। श्री कृष्ण नित्य दास जीव तहां भूली गेलो, सही दोषे माया तार गलाए बंधी लो। माया ने गला इसीलिए बांध रखा है, पकड़ रखा है, क्योंकि हम अपने अस्तित्व को भूल चुके हैं। नित्य दास कृष्ण तहां भूली गेलो, जहां वो भूल गया इस बात को, वहां माया ने उसकी गर्दन पकड़ ली। तो सही पकड़ी, अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो जो कोतवाल है वो हमारी गर्दन पकड़ लेगा। तो माया क्या है, माया सुपरिटेंडेंट है, कोतवाल है भगवान की। जैसे ही आप गलत चले, उसने आपकी गला पकड़ लिया, भैया गलत कर रहा है, और हम सोचते हैं बस ये माया परेशान कर रही है, बाकी तो सब ठीक है। फिर विपरीत दिशा में, जैसे कोई क्रिमिनल होता है हार्डकोर, उसको अगर जेल में डाल दिया जाए तो वो ये नहीं सोचता कि ये मेरी सजा है, अब मैं निकल के यहाँ से सुधर जाऊँगा। वो ये सोचता है कि किसी तरीके से अब ऐसा कार्य करूं कि अब पुलिस के चक्कर में ना फंसूं, अब ये मुझे पकड़ ना पाए, कार्य विपरीत ही करेगा। इनको बोला जाता है हार्डकोर क्रिमिनल्स, मतलब हम इस जगत में हार्डकोर क्रिमिनल है। माया पकड़ रही है, माया थपेड़े मार रही है कि हम यहाँ से निकल जाएं, और हम सोच रहे हैं कि किस प्रकार माया से बचे जाएं। जितनी हमारी एडवांसमेंट हो रही है आज साइंस की, उसमें भी ज़्यादातर हमारी कोशिश ये रह रही है कि किस तरीके से माया की गतिविधियों को रोक सके, कैसे बुढ़ापा ना आए, कैसे हम बीमार ना हो, कैसे हमारे कर्मों की सजा हमें ना मिल पाए। हम जो मर्जी करें पर हमारे कर्मों की सजा हमें ना मिले, इसी में लगे हुए हम सारे। ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, और यदि वो कृष्ण को भजता है और गुरु सेवन करता है, माया जाल छूटे पाए कृष्णेर चरण, तो माया जाल तुरंत छूट जाता है और कृष्ण के चरण प्राप्त हो जाते हैं। चार लाइनों में कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में माया से छूटने का तरीका बता दिया। और हम लोग कब से लगे हुए हैं, असंख्य जन्मों से, कि माया से कैसे बचे। माया से ऐसे नहीं बचा जाता, माया से कैसे बचा जाएगा, माया जाल छूटे पाए कृष्ण चरण कैसे, ताते कृष्ण भजे करे गुरु भजन। जैसे ही हम कृष्ण भजन करें, गुरु चरणों की सेवा करेंगे, वैसे ही हमारा ये माया जाल छूट जाएगा। गुरुदेव शिष्य को दीक्षा शिक्षा देकर आध्यात्मिक चक्षु प्रदान करते हैं। आध्यात्मिक चक्षु मतलब कैसे, दीक्षा और शिक्षा से, दीक्षा विधि और साथ में शिक्षा विधि, उसको समझने के लिए। दीक्षा किस लिए, कि आप उनकी शिक्षा को समझ पाओ, आपके हृदय में, आपके चित्त वृत्ति में हलादनी शक्ति की वृत्ति का जब प्रवेश होगा
तब आप समझ पाओगे वो शब्दों को। वह उन आध्यात्मिक नेत्रों से परतत्व अवलोकन कर सकता है, उसके माइक चर्म चक्षु में यह शक्ति नहीं होती। जो हमारा माइक विजन है इस दुनिया को देखने का, उसमें ये शक्ति नहीं है कि हम इस अध्यात्म को समझ पाए। हमारे भीतर ऐसा विवेक नहीं है कि हम इसको समझ पाए, पर गुरुदेव की कृपा से हमें वो विवेक प्राप्त होता है कि हम समझ पाए इस जगत की क्या असलियत है। हम भगवत तत्व को समझ पाए उनकी कृपा से। वे आध्यात्मिक चक्षुओं को तो उन्मिलित करते ही हैं, साथ में अन्य अन्याएं जितनी हमारी इंद्रियां हैं उनको भी भगवत भजन के योग्य या अप्राकृत बना देते हैं। अब हमें हरि नाम संकीर्तन में स्वाद आए, मेरा हरि नाम लेने में मन लगे, मेरा शास्त्र अध्ययन में मन लगे, मेरा श्रवण में मन लगे, ये सारी अलग अलग इंद्रियों से ये कार्य हो रहे हैं। धाम वास में मुझे आनंद आए, ऐसी क्या चीज धाम में? अब अगर हम भौतिक दृष्टि से देखें तो कोई व्यक्ति क्यों धाम जाए, वहाँ इतना कष्टप्रद है, इससे अच्छा तो जब जाना है तो किसी हिल स्टेशन जाए, क्यों धाम जाए इतनी गर्मी में भौतिक दृष्टि से। पर गुरुदेव की कृपा के कारण हम वो आध्यात्मिक शांति वहाँ पा पाते हैं। सबसे पहले प्राथमिक अवस्था में किसी को कुछ नहीं बताना तो बोलता है बड़ी शांति मिलती है। ये कैसे मिलती है? क्योंकि गुरुदेव की, संत महात्माओं की कृपा हुई है, तो आप समझ पा रहे हो। तो प्राकृत देह इंद्रियां मन आदि कृष्ण भजन के योग्य नहीं है। अगर ऐसा नहीं हो तो ये जो प्राकृत देह प्राकृत इंद्रियां हैं ये कभी नहीं लगेंगी कृष्ण भजन की ओर। सजा मिले हमें अपने कर्मों की वो तो भोगनी पड़ती है, हम भोग लेंगे, पर अपने आप से थोड़ा कष्ट उठा के भजन करना पड़े वो हम नहीं करेंगे। उसके बदले माया हमें दिगुना तिगुना कष्ट दे वो सह लेंगे। बारिश में एक माताजी जा रही थी, सबने बोला भैया छाता ले लो, 100 रुपए का छाता है, बीमार हो जाओगी। कह रहे कोई बात नहीं, 100 रुपए क्या खर्च नहीं। उसने कहा बीमार हो गए तो 200 की दवाई खानी पड़ेगी। कह रहे कोई बात नहीं, 200 की दवाई तो पेट में ही जाएगी ना, 100 रुपए का एक दूसरे को दे आए। हमारा भी यही हाल है, माया कुछ भुगतने को देगी वो भुगत लेंगे कोई बात नहीं, मगर अपने आप से थोड़ा कष्टप्रद होके भजन प्रारंभ करना पड़े, थोड़ी ऑस्टेरिटी करनी पड़े, ये हम नहीं करेंगे। गुरुदेव अहेतु की कृपा के वश होकर जब दीक्षा मंत्र देते हैं तो जो शिष्य होता है वो उस समय प्रार्थना करता है, हे गुरुदेव संसार अग्नि में दग्ध और कालग्रस्त मेरी रक्षा करें, हे प्रभु मैं आपके शरणागत हूं। ये शिष्य प्रार्थना करता है उस समय। हमारी एग्जैक्ट इन शब्दों में नहीं निकलती होगी, तो हमारी ये तो प्रार्थना निकलती होगी कि हे गुरुदेव अब मैं आपके शरणागत हूं, जब हमारी दीक्षा होती है अब आप मेरी रक्षा कीजिए। कुछ वाइब्स हमारी वहाँ जाके तुरंत बदल तो जाती है महात्माओं की कृपा से, कथा में बैठते हैं कीर्तन में बैठते हैं तो थोड़ी बदल जाती है, तब हमारे भीतर से प्रार्थना निकलती है। वेडनेसडे थर्सडे को बीच में पहुँचो तो कोई बोले हे प्रभु मुझे माया से, कह रहे क्या माया क्या, अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। लेकिन कथा श्रवण से, शास्त्र अध्ययन से, हरिनाम संकीर्तन से थोड़ी बुद्धि जब ठीक होती है तो जीव तब ये प्रार्थना कर पाता है, नहीं तो आगे पीछे प्रार्थना होती है, हे भगवान मेरा ये कार्य हो जाए, हे भगवान ये काम करा दो, हे भगवान पहले मेरी तबीयत ठीक करो मैं तभी तो भजन करूँ, हे भगवान मेरे घर में सब सुख रहे तभी तो मैं ठीक से करूँ, हे भगवान व्यापार में कोई समस्या नहीं होगी तब तो ठीक से भजन करूँ। भजन के नाम पर हम सोचते हैं हम भगवान को एक्सप्लॉइट कर दें। आपने परिस्थिति ठीक नहीं रखी है, मैं कैसे भजन करूँ? अगर आप चाहते हो मैं भजन करूँ, मेरी परिस्थिति ठीक करो। और परिस्थिति ठीक होते ही हम ये बात बोलना भी छोड़ देते हैं, फिर इंद्रिय तृप्ति की ओर चलते हैं। अब सब ठीक है तो कहीं घूमने फिरने चले, क्योंकि अब तो सब ठीक है तो फिर हम भगवान के समक्ष भी नहीं होते, और फिर समस्या हो तो भजन करें, समस्या ठीक हो तो, जब तक वो ठीक नहीं है तब तक कैसे भजन होगा। तो ये सब प्रार्थना हम करते हैं, यह कहकर शिष्य जब अपने देह मन प्राण समर्पित करके गुरुदेव की शरण में आता है तो गुरुदेव भी क्या करते हैं, वो अपनी करुणा मिश्रित तत्वामृत शक्ति से और अपने भगवत भजनमय भक्ति की शक्ति से उसके तन मन प्राण आदि में अपनी शक्ति संचारित करते हैं और उसकी देह इंद्रियों को
प्राकृत से अप्राकृत कर देते हैं कि अब ये कृष्ण कृष्ण भजन को समझ पाए। हम सोचते हैं कि अब मेरे को इतने साल हो गए, मैंने इतना अध्ययन कर लिया, इतना सुन लिया, इतना पढ़ लिया, इतना मैं नाम करता हूं, तो अब तो मुझे बहुत समझ में आता है, अब मुझे सब समझ में आने लगा है। पहले नहीं आता था, अब मेरे को सब समझ, क्योंकि अब बहुत साल हो गए ना, मैंने बहुत पढ़ लिया। कहीं हम ये नहीं सोचते कि क्या कृपा हुई है, और उस कृपा से ही केवल मैं ये समझ पा रहा हूं। ये केवल कृपा ही है कि हम सब शास्त्रों को अगर समझ पा रहे हैं तो वो केवल कृपा है। किसकी? गुरुदेव की कृपा है। और अगर उसमें हम सोचे नहीं, मैं अब तो बहुत बार, अब तो मैं तीन बार चार बार पढ़ लिया ना, मुझे सब पता है, अब कोई नहीं। तीन चार बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, असंख्य बार भी पढ़ लें अगर कृपा नहीं हो तो वो तात्पर्य नहीं समझ पाएंगे जिस तात्पर्य से ये लिखी गई है। इसीलिए देखो क्या शब्दों का चयन किया है गुरुदेव ने, करुणा मिश्रित भागवत तत्व अमृत शक्ति। करुणा मिश्रित, अपनी करुणा से, अपनी करुणा डाल के आपको तत्व समझाए। केवल तत्व अमृत नहीं दिया है, अगर केवल तत्व अमृत कहें तो वो तत्व अमृत ही नहीं लगेगा। किसी को थोड़ी काढ़ी बात बोल दो, बोलता भैया बड़ी तत्वों की बात हो गई, तो सर के ऊपर से निकल गई, हमारी समझ नहीं आई, होता है ना ऐसा। तो इसीलिए जब तत्व समझना है तो गुरुदेव करुणा मिश्रित, करुणा जरूर करनी पड़ेगी उस पर, तब वो तत्वों को समझेगा। आप बोले भैया आप जीव हो, आप भगवान का अंश हो, वो अंशी है, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, अरे भैया बड़ी तत्वों की बातें हो गई, थोड़ी रसिक बात करो। अबे रसिक कैसे समझ में आएगी जब तक ये बेसिक बात समझ में नहीं आ रही कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये शरीर नश्वर है, खत्म होने वाला है, होगा ही, ऐसा कोई नहीं है जिसका ना हो, और ऐसा कोई नहीं है जो कहे नहीं मैं इस रेस में ही नहीं हूं, सभी इसी रेस में भाग रहे हैं। जैसे पिछली बार बताया था कि जब हम, जैसे वो गजेंद्र सरोवर में आया और ग्रास ने उसका पैर पकड़ लिया, तो हम सब कालग्रस्त हैं। अब कोई भी जीव अपने जन्म की तरफ नहीं, अपनी मृत्यु की तरफ भाग रहा है। बड़े उत्साह के साथ नृत्य करके हैप्पी बर्थडे तो मना लेता है, मगर वो ये नहीं समझ रहा है कि एक साल और कम हो गया। नाचने का विषय ये संतों के लिए है, और विडंबना ये है कि महात्मा नहीं मनाते, भौतिक जीव बड़ा खुश होकर मनाता है। ये आपकी अचीवमेंट थोड़ी है, आपकी मृत्यु के और निकट आ गए आप, और आपने किया कुछ है नहीं। एक बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है और एक बच्चा बहुत पढ़ाई कर रहा है। जो बहुत पढ़ाई कर रहा है वो कह रहा है बड़े बड़े छोड़ो बाद में देखेंगे, अभी इसका टाइम नहीं है, क्योंकि वो पढ़ाई में लगा है। और जो पढ़ाई में नहीं लगा है उसका एग्जाम आने वाला है और वो नाच रहा है, तो उससे कोई पूछे तो किस लिए नाच रहा है, तेरा एग्जाम आने वाला है, तो पढ़ तो रहा नहीं है, और वो बड़ा खुश हो रहा है। अरे तू, जितने दिन कम होते जा रहे हैं उतनी मुसीबत बढ़ती जा रही है कि नृत्य का उत्सव का माहौल है ये। एक और दिन कम हो गया, वाह चार दिन रह गए एग्जाम में, ये नाचने की बात है अगर पढ़ा नहीं है तो। जो पढ़ रहा है वो नहीं नाच रहा है, जो महात्मा है वो अपनी मृत्यु के करीब जा रहे हैं वो नहीं नाच रहे हैं, जबकि उनके लिए मृत्यु उत्सव है। वो इस जंजाल से छूट के सदा भगवान की सेवा में चले जाएंगे, उनके लिए तो उत्सव है, वो नहीं मना रहे हैं, हम मना रहे हैं उत्सव। हमें अपना नहीं, हमें महात्माओं का जन्मदिन मनाना चाहिए, उनका उत्सव है, इसीलिए हम उनके तिरुभाव पे उत्सव मनाते हैं। जितने आचार्य हैं, जितने हमारे गोस्वामी हैं, हम उत्सव कब मनाते हैं? तब नहीं जब जन्म हुआ था। ज्यादातरों का उत्सव तब मनता है, केवल भगवान की जन्माष्टमी बनती है, रामनवमी बनती है, गोस्वामियों का तिरुभाव दिवस बनता है, क्योंकि वो इस जगत में आए, ये इतनी खुशी की बात नहीं है। वो जब यहां से भगवत धाम चले गए, ये बहुत खुशी की बात है। गोस्वामियों के जन्मदिन हमें खुशी की बात नहीं लगती, अपना जन्मदिन हमें बहुत खुशी की बात लगती है। जैसे करुणा अवतार हुआ है कोई, यहाँ पे बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि आज के दिन में करुणा भाई इस सृष्टि में आया था लोगों का उद्धार करने, क्या क्या खुशी की बात है इसमें। मैं हैप्पी बर्थडे पे कथा नहीं करना चाहता, बात हो रही है तो बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हम एकदम मिस इंटरप्रिटेटेड है, वास्तविकता से बहुत दूर है, बिल्कुल अलग चल रहे हैं, चलना ही जिस डायरेक्शन में उससे बिल्कुल अलग चल रहे हैं। और जब गुरुदेव की सेवा परायण होंगे
और उनकी कृपा प्राप्त होगी, तब हमें ये बातें समझ में आएंगी कि मैं किस विपरीत दिशा में चल रहा था। एक बार व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी हो जाए, वो बोलता है हे भगवान किसी प्रकार से बस अगर मैं इससे ठीक हो पाया तो फिर अब भजन करूंगा। सब नहीं सोचते, कुछ इससे भी निकृष्ट लोग हैं जो जब संकट में आते हैं तो वो बोलते हैं भगवान ही क्या है जो हमें इतने संकट में डाल दिया, आज तक जो भजन किया था उसका क्या फल मिला जो इतने संकट में चले गए। वो और भगवान से विद्रोह करते हैं, माया और जकड़ के गला पकड़ लेती है। माया गला इसलिए नहीं पकड़ रही है कि तुम विद्रोह करो, माया इसलिए कर रही है तुम गलत कर रहे हो, और तेजी से गला पकड़ूंगी तो फिर उस तरफ भागोगे। मगर जो निकृष्ट बुद्धि है, जो विवेक शून्य जीव है, वो क्या करेगा, वो और उल्टा करता है। जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका आजकल देखते हैं ना, वो और उल्टा और उल्टा और उल्टा करके आखिरी में एनकाउंटर हो जाता है, रिबिलियस बनते जाओगे। तो क्या होगा, क्या होता है ऐसे लोगों का, एनकाउंटर हो जाता है, मार दिए जाते, फांसी लगा दी जाती, यही होगा फिर। जब नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे, कड़ी से कड़ी सजा दी जा रही है, नहीं समझ रहे तो मरोगे। ऐसे ही जीव फिर ये देह छोड़ देता है, फिर मनुष्य देह तो मिलेगा नहीं जब ऐसे रिबिलियस हुए, फिर उसके बाद अलग 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 पशु देह और ना जाने कहाँ कहाँ वो जीव भ्रमण करता है, और कई लाख कई करोड़ कई वर्षों कई सौ करोड़ वर्षों के बाद फिर कई मनुष्य देह मिलता है। फिर उसकी अब जब मनुष्य देह मिला है तो जो इतने करोड़ वर्ष उसको पशु देह मिला है उसमें और भोगने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। पशु में तो भोग ही रहा है ना पशु देह से, तो वो संस्कार इतने सारे हजारों जन्मों के और भोगने के साथ में आ गए, और मुश्किल हो गया। इसीलिए जीव रोता है कि मुझे और जन्म ना मिले, गुरुदेव मेरे पे कृपा करो, अब मैं आपके चरण आश्रय हो गया हूं ना, अब ऐसी कृपा करो कि इसके बाद मुझे दोबारा जन्म ना लेना पड़े। इस जन्म में तो मैं ये आपकी कृपा से समझ पा रहा हूं, अगला जन्म अपने कर्मों के हिसाब से पता नहीं कहां मिलेगा। हालांकि जन्मे जन्मे प्रभु से ही हैं, आपने सदगुरु के आश्रित हुए और दीक्षा ली है, पर अगर गुरु चरणों में ही अपराध कर दोगे तो क्या गति होगी। फिर जब मनुष्य बनोगे तो गुरुदेव कृपा करके फिर आप पे कृपा करेंगे, पर मनुष्य देह भी तो कितने करोड़ों वर्षों बाद मिलेगा, और आज भी तो वही कृपा हुई हुई है। आज जब मुझसे वही कृपा में गुरु अपराध बन रहा है तो अगली बार क्यों नहीं बनेगा, जब और संस्कार हमारे गाढ़े हो जाएंगे भोगने के, पशुदेह के कारण इतने सारे पशुदेह हुए तो और गाढ़े हो गए संस्कार, आज से तो और खराब स्थिति होगी, तो और खराब स्थिति में हम क्यों अपराध नहीं करेंगे जब आज कर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि नहीं अपराध नहीं हो, नहीं अपराध हो रहा है गुरुदेव के चरणों में। बात ना मानना, अवमानना करना, बात को ना समझना, ये अपराध ही तो है। अपराध के कारण ही तो ऐसी बुद्धि हो गई है कि ये अपराध भी नहीं लग रहा, हमें लग ही नहीं रहा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। ये बुद्धि कैसे बनी, ये बुद्धि भी अपराध से ही बनती है। जो व्यक्ति सही होता है, जो व्यक्ति सही होता है वो समझता है कि मुझसे गलती हुई है, पर जब व्यक्ति गलत होता है तो उसे समझ में नहीं आती कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, वो बहुत खराब स्थिति है। जब व्यक्ति सही होता है और उसको डांटा जाता है तो वो रो के वापस आने की कोशिश करता है, जब व्यक्ति गलत होता है और उसको डांटा जाता है तो बोलते हैं कि अंदर बहुत एटीट्यूड आ गया, अब शायद इनके साथ बात बन नहीं पाएगी। फिर उनको सबकी बात, गुरुजनों की, गुरु की, सबकी बात चुभने लगती है, उन्हें लगता है कि इनके अब बहुत स्थिति बढ़ गई है, इसलिए इनके भीतर बहुत अहंकार आ गया है, ये स्थिति बहुत खराब होती जा रही है, ये सही स्थिति नहीं है। तब हमें लगता है कि मैं ही सही हूं, और जब व्यक्ति की स्थिति सही होती है तब उसे लगता है कि मैं गलत हूं, उल्टा है। जब आप ये बात समझ रहे हो कि मेरी गलती है, मैं निकृष्ट हूं, मैं ही गलत हूं, तब आपकी स्थिति सही है, और जब आपको ये लगने लगे कि नहीं मैं सही हूं बाकी सब गलत है ये, तब आपकी स्थिति बहुत खराब है। लेकिन तब माया क्या दिखाती है कि आप सही हो, अब ये सब गलत दिशा में चलने लगे मैं ठीक हूं, अब इन्हें किसी को समझ में नहीं आ रही, ये सब पागल हो गए हैं, अब मैं ठीक चल रही हूं। तो गुरुदेव कृपा करके अपनी करुणा मिश्रित
तत्व शक्ति से और अपनी भक्ति शक्ति से शिष्य के तन मन प्राण प्राण आदि को प्राण आदि में अपनी शक्ति संचारित करते हैं और उनकी देह इंद्रियों को केवल चक्षु दान दिले यही नहीं, केवल चक्षुओं को नहीं उसकी देह और इंद्रियों को भी अप्राकृत कर देते हैं। उसकी इंद्रियों को अप्राकृत करने का मतलब अब अप्राकृत वस्तुओं में इंद्रियां आस्वादन लेंगी। ये हरिनाम संकीर्तन प्राकृत नहीं है, यह अप्राकृत है। इसमें आस्वादन कब आएगा? जब वो कृपा होगी, जब वो शक्ति का संचार आपके भीतर होगा। इसी प्रकार गुरु कृपा देह आदि को भजन के योग्य बनाकर भगवत पाद पद्मों में समर्पित करती है। गुरुदेव का क्या कार्य है? जैसे एक पिता अपनी पुत्री का पालन पोषण करके पढ़ा लिखा के एक दिन विवाह कर देता है, ऐसे ही गुरुदेव अपने चरण आश्रित जीवों को उनका कल्याण करके उनको श्री राधा कृष्ण को समर्पित कर देते हैं। और भगवान के साथ जीव का एक विशिष्ट संबंध स्थापित कर देते हैं, विशिष्ट संबंध, जो संबंध कभी टूटेगा नहीं। अभी हम अपना संबंध भी नहीं समझ रहे भगवान से, ये गुरुदेव ही कृपा करके हमारा संबंध स्थापित कराते हैं। जैसे आपको बताया आप किशोरी जी की सखी हो, आप उनकी सखी मंजरी हो, ये संबंध स्थापित किसने कराया? गुरुदेव ने कराया। तो इसीलिए श्रील ठाकुर महोदय यहाँ पे कह रहे हैं, चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से। जन्मे जन्मे इसीलिए क्योंकि वे कृष्ण प्रेम प्रदाता, कृष्ण ज्ञानदाता गुरु ही जन्म जन्म में मेरी रक्षा करने के लिए आते हैं। इससे गुरु के साथ हमारा जो सेव्य सेवक भाव संबंध है उस संबंध की भी नित्यता बताई गई है। एक बार आपने दीक्षा ले ली तो ये गुरु नए नहीं है, इनके साथ जन्मों जन्मों का मेरा संबंध है। जब एक बार सदगुरु आश्रय देते हैं तो वो गारंटी लेते हैं कि अब इसको भगवत धाम लेके जाऊंगा। ये हम सब लोगों के लिए बड़े हर्ष की बात है कि चरण आश्रित हुए, गुरुदेव की कृपा मिली, अब गारंटी हो गई कि भगवत धाम जाएंगे। अब ये सब गारंटी है, जिनकी दीक्षा हो गई है वो भगवत धाम जाएंगे, ये तो गारंटी है। अब स्पीड कितनी लेनी है ये आपके हाथ में है। चाहे तो इसी जन्म में चले जाएं, चाहे 100 जन्मों में जाएं, चाहे 1 करोड़ में जाओगे, ये गुरुदेव ने पक्का कर दिया कि आप चरण आश्रित हो, पक्का लेके जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये भगवान की करुणा का सांद्र स्वरूप है, ये तभी तो करुणा का स्वरूप है कि करुणा इतनी है कि आप जो मर्जी करो आपको लेके जाएंगे, पर आपके कर्मों पर निर्धारित करता है कि आप कितने जन्मों में जाना चाहते हो, कितने समय में जाना चाहते हो। हम पीछे पड़े अपने बच्चे को पढ़ा के छोड़ेंगे, फेल होता है तो स्कूल से तो नहीं निकलवा देते, फिर पढ़ाएंगे, फिर फेल होगा फिर पढ़ाएंगे, हर कक्षा में 2-2 बार फेल होगा तब भी पढ़ा के उसकी पढ़ाई पूरी कराएंगे, और यदि अवतीर्ण होता जाए, 1-1 साल में पढ़ता जाए, अच्छे नंबर लाता जाए तो फिर और ऊपर जल्दी तेजी से पहुंच जाएगा। तो माँ बाप तो फैसिलिटेट कर ही रहे हैं कि ये जाए, और पूरा कमिटमेंट भी है कि इसको पढ़ाना है। अब बाकी बच्चे के हाथ में है कि वो किस स्पीड से जाना चाहता है, समझ गए। आजकल बहुत तेजवान बच्चे हैं, वो 1 ही साल में 2-2 क्लास भी पास कर लेते हैं, ऐसे भी बच्चे हैं, और ऐसे शिष्य भी होते हैं जो बड़ी तेजी से सब कुछ समझते जाते हैं और गुरुदेव की कृपा से, उनकी सेवा से और कृपा प्राप्त करके बड़ी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ हमारे जैसे फेलियर भी बैठे हैं कि फेल, पता नहीं कितने टाइम लगेगा समझने में। तो ये हमारे हाथ में, हमें जल्दी से समझना है। हमारे लिए अच्छी बात ये है कि हमारे सिर पे कोई है जो गारंटी ले रहा है कि हम पहुंचेंगे पक्का। इसीलिए ठाकुर महाशय और गुरुदेव यहाँ पे बोल रहे हैं, आहा, गुरुदेव की कृपा की तुलना नहीं है। क्यों तुलना नहीं है? कि वो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में फिर आ जाएंगे। अगर आपके ऐसे कर्म रहे कि पशु देह नहीं मिला, थोड़ी सी बात से चूक गए, फिर दोबारा मनुष्य देह में आ गए, फिर यही गुरु आके दोबारा आपको दीक्षा दे देंगे। आप फिर अगला जन्म आपको मिला आप नहीं गए, फिर यही गुरु आके आपको दीक्षा दे देंगे। जब जब आप मनुष्य देह में आओगे फिर आके आपको दीक्षा देंगे। ऐसे आपके सरकमस्टांस बनेंगे, ऐसी बुद्धि बनेगी कि आप फिर दीक्षा लोगे, फिर गुरु कृपा करके आपको अपने पास, आपका आकर्षण करके खींच के आपको
दीक्षा देंगे। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? गुरुदेव की प्रसन्नता। मेरे कौन से कर्मों से, क्या ऐसी क्रिया से गुरुदेव प्रसन्न होते हो, मैं वही करूँगा, क्योंकि उनकी प्रसन्नता से ऊंची बात नहीं है। अपने आप से कोशिश करने लगे ना तो बड़ा समय लगेगा। ढूंढ के बताओ शास्त्र में कौन सा ऐसा भजन लिखा है कि इस मात्रा से भजन करने से भगवत प्राप्ति हो जाती है। अगर गुरुदेव की कृपा हटा दो तो, अगर गुरुदेव की प्रसन्नता हटा दो, अब बताओ कोई कहीं किसी शास्त्र में कहीं आपने पढ़ा है कि इतनी मात्रा का भजन करने से, इतना नाम लेने से, इतनी धाम यात्रा करने से, इतनी परिक्रमा करने से, इतने सुबह उठ के एकादशी व्रत करने से, ये वाले व्रत कर दो, वो वाला कर दो, ये सब कर दो, आग के सामने गर्मियों में बैठ जाओ, सर्दियों में वृक्ष के नीचे खड़े हो जाओ, सर्दी में बर्फ में जाके खड़े हो जाओ तो भगवत प्राप्ति हो जाए, कहीं लिखा है कुछ? कोई ऐसी तपस्या नहीं है, कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकें। गुरु कृपा ही एव केवलम, मगर गुरु कृपा से लिखा है गुरु की प्रसन्नता से तुरंत प्राप्त हो जाएगी। समझ गए? तो इसीलिए ये सबसे सस्ता साधन है इस कलयुग के जीवों के लिए। सस्ता नहीं शब्द यूज करूंगा, सुलभ साधन है। सस्ता इसलिए कि इतनी मेहनत करोगे तब भी प्राप्त नहीं होगा, इतने से में प्राप्त हो जाएगा, पर उसका अन्यथा अर्थ भी निकल सकता है, इसलिए सुलभ अच्छा शब्द है। सबसे इजीएस्ट वे है कि आप केवल ये ध्यान रखो कि गुरुदेव मेरे से प्रसन्न रहे, बस। मतलब मक्खन लगाने की बात नहीं किसी तरीके से, इससे गुरु प्रसन्न नहीं होते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ कि बाबा के लिए सब हम देखे कि ये लेके आए, ये लेके आए, ये लेके आए, वो बाबा बड़ी खुशी से उनके सामने स्वीकार किया और बाद में साइड में रख दिया। सर्वेश दादा ने भी एक बार घड़ी दी थी, याद है? घड़ी दी एकदम सोने एक सी, ऐसे बाबा ने पहनी, सब कही अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी, ठीक है, फोटो वोटो खिंचवा ली, सब कर दी, बाद में बाबा ने डब्बे में डाल के रख दी, इसको साइड में रख दिया। और देवी दी थी कि लिए ले लो, सोफा दिया था एक बार बाबा को, बाबा बाबा आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, बाबा ने सोफा पे बैठ के फोटो खिंचवा ली, बाद में बोला बलराम इसको लाइब्रेरी में जाके रख दो। अगले दिन आए लाइब्रेरी में, सफ़ेद चद्दर डाल के रखी हुई है। पूछा बाबा से, बाबा ये, बाबा बोलते सब लोग बोलेगा बाबा पागल हो गया, इस उम्र में सोफे पे बैठने की इच्छा हो गई। आपके काम आता हो, बाबा कह रहे ले जाओ घर में सोफा लगा लो। तो हमारी प्रसन्नता के लिए उस वक्त बड़ा बाबा ऐसे फोटो वोटो खिंचवा लेते, अच्छा आपने दिया, आपका भी मन खराब ना हो, सब पहन ली, फोटो वोटो खिंचवा ली, इसके बाद ले जाओ। इससे गुरु प्रसन्न नहीं होते, इससे प्रसन्न नहीं होते। प्रसन्न किससे होते हैं? जो उन्होंने अपनी शिक्षा दी है उस शिक्षा पे आप अपना जीवन व्यापन करो, इससे प्रसन्न होते हैं। और प्रेम भक्ति चंद्रिका तो ऐसा शास्त्र है। एक बारी मेरे समक्ष की बात है, ये राधा कुंड में ही एक भक्त आए हुए थे, अच्छे वरिष्ठ भक्त थे, मैं जानता नहीं हूँ पर वरिष्ठ थे, पता लग रहा था उनका जैसा बाबा से संबंध था। तो बोला बाबा ये हम लोग तो अब यहाँ रहते नहीं, तो अब पग पग पे आपकी इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ती है कि अब इस समय ये कार्य कैसे करें, आप होते तो बताओ, अब हम तो यहाँ नहीं रहते तो हम आपसे हर चीज़ कैसे पूछें कि अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जीवन में कई बार दुविधा आ जाती है कि अब यहाँ पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाबा ने बोला प्रेम भक्ति चंद्रिका जाके पढ़ लो, आप जहाँ पे भी कहीं खड़े होगे अगला कदम कैसे रखना है क्या करना है वो सब मैंने प्रेम भक्ति चंद्रिका में लिख दिया है। एक तो पहले ही ठाकुर महाशय का शास्त्र ऐसा कि लोग बोलते हैं कि भैया अगर सुगमता से भगवत प्राप्ति करनी है तो प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ लो। वो कथा है आगे आएगी इसमें कि एक जन जो है वो धाम में आए, महात्मा से पूछा महात्मा भगवत प्राप्ति कैसे होगी? महात्मा ने कहा दो पैसे में। वो दो पैसे में भगवत प्राप्ति हो जाएगी? बोला दो पैसे में। वो ये लो दो पैसे, कराओ भगवत प्राप्ति। उन्होंने दो पैसे बोला वहां जाके दो, और ये प्रेम भक्ति चंद्रिका दो पैसे की आती है, वो जाके खरीद लो, पढ़ लो, हो जाएगी भगवत। तो ये पहले ही एक तो ऐसा, ऊपर से बाबा ने अपनी टीका में भी लिख दिया कि जो भी आपको जीवन में कहीं दुविधा आए उसका उत्तर इसमें है, कैसे कैसे जीव को चलना है।
आगे जब और चलेगा तो आप देखोगे हर चीज का सोल्यूशन है हमें क्या करना है। पर हम ऐसे बद जीव हैं कि हम लोग अपने सामने उत्तर को जानते हुए देखते हुए भी हम मानते नहीं हैं। अब ये थोड़ी हो सकता है, अब इतना नहीं कर सकते, अब ये नहीं हो सकता। जब ये बातें माया के कारण हमारे मन में आ जाती हैं तो फिर हम लोग इससे हट जाते, उत्तर मिलता है पर जीव अब इतना नहीं हो सकता, इतना ही कर सकता। अब जब आप ही ने सोच लिया कि नहीं हो सकता, उसी समय विचार किया करो कि इसी समय मेरा विचार ये है कि अब इस बार नहीं जा सकता, अगली बार जाएंगे। जब आप मानने से मना कर देते हो और आप कहते हो अभी नहीं, इसका मतलब आप बोल रहे हो कि अभी इस जन्म में नहीं, अभी अगली बार जाएंगे। पूरी बात आपको भी समझनी चाहिए, जो आप बोल रहे हो उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा। प्रेम भक्ति जहां हईते अविद्या विनाशयते, वेदे गाए जहां रे चरित्र। भगवान की करुणा की घनीभूत होकर, भगवान की जो करुणा है जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, वो ही घनीभूत होकर मूर्ति धारण कर जीवों के कल्याणार्थ गुरु रूप में यहां प्रकाशित हुई है। श्री गुरु प्रसाद से प्राप्त हुए संबंध ज्ञान से साधक देह दैहिक आदि कृष्णेतर वस्तुओं के प्रति ममता शून्य हो जाता है। कहने का तात्पर्य, प्रेम भक्ति जहां ही थे अविद्या विनाशयते, जहां प्रेम भक्ति हमें गुरुदेव की प्राप्त होती है तो क्या होता है, साधक ये देह दैहिक आदि के जो संबंध हैं इनसे ममता शून्य हो जाता है और उसी ममता को कृष्ण में प्रगाढ़ कर देता है, भगवान के साथ अपना संबंध गाढ़ा कर देता है और यहां के संबंध जो हैं वो फीके पड़ जाते हैं। प्रेम भक्ति श्री गुरु प्रणाली के माध्यम से साधक के हृदय में प्रवाहित होने लगती है। प्रणाली जो है वो परंपरा के माध्यम से, ये श्रीमद् भागवतम में भी बाबा ने बताया कि जब भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में थे तो सारे देवी देवताओं ने आके स्तुति करी थी। उसी में एक स्तुति में उन्होंने ये बोला कि जितने भी आचार्य हैं वो आपकी चरणों की कृपा प्राप्त करके तुरंत ही इस भव सागर से निकल जाते हैं। जो आचार्य गण हैं, जो महात्मा जन हैं, वो तो तुरंत आपके चरण रूपी नौका से इस भव सागर से निकल जाते हैं। और उनकी कितनी कृपा है कि पीछे अपना ये भक्ति मार्ग का संप्रदाय छोड़ जाते हैं, ये प्रणाली ये संप्रदाय ये छोड़ जाते हैं ताकि हम जैसे जीव भी इसको पार कर सके, उसी परंपरा में उसी संप्रदाय में जुड़ के। नहीं तो ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता ब्रीज। हम सब ब्रह्मांड पूरा भ्रमित कर हो कर चुके हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप गए नहीं हो। हम लोग बोलते नहीं, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, मुझे इस जगह जाना है, मुझे उस जगह जाना है, मुझे अमेरिका, मुझे यहाँ, मुझे लंदन, ऑस्ट्रेलिया, मुझे सब देखना है एक बार। आप ये अमेरिका लंदन छोड़ो, आप दूसरी पृथ्वी पे भी जा चुके हो, आप दूसरे प्लैनेट्स में भी हो चुके आ चुके हो, आप स्वर्ग में भी रह चुके हो, आप नीचे के नर्क भी देख चुके हो, आप क्या पृथ्वी के ही गोल चक्कर के थोड़े थोड़े अंश देखना चाहते हो। ब्रह्मांड भ्रमिते, आप पूरा ब्रह्मांड घूम चुके हो। पर कोनो भाग्यवान जीव, जो थोड़ा भाग्यवान अब जीव है वो गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी, तो आप उसमें ऐसे भाग्यवान हो कि पूरा ब्रह्मांड घूम के अब आपको गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी गुरुदेव ने चयन करके उनकी करुणा से आपको अपना लिया है और आप भक्ति लता बीज प्राप्त कर पा रही हो उनकी कृपा से। तो ये लालच मत रखो कि अभी मुझे बहुत घूमना है, अभी ये करना है, अभी वो, अभी तो दुनिया देखनी है। दुनिया देख चुके हो बहुत सारी, बहुत बार। अभी तो आप छोटा सा एरिया में इधर उधर जा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा दूर से दूर अमेरिका चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, आप दूसरे प्लैनेटों में भी होके आ चुके हो, घूम के ही आए हो, पूरा ब्रह्मांड भ्रमित है, सब घूम के ही आए हो, सब देख आए हो आप। दोबारा वो लालसा मत रखो कि फिर वो देखने जाए। तो ये संबंध तो हमारा भगवान से जुड़ता ही है, ये तो मुख्य फल है प्रेम प्राप्ति। और बोलते गुरु की कृपा का अनुषांगिक रूप से हमारी अविद्या का नाश हो जाता है। प्रेम भक्ति जहां हईते ये मुख्य फल है, अविद्या विनाशयते ये अनुषांगिक फल है।
ये मुख्य फल नहीं है, मुख्य फल तो बताया प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी, और प्रेम भक्ति प्राप्त होते ही ये साइड इफेक्ट्स है, अनुषांगिक है कि आपकी अविद्या का विनाश हो जाएगा। और ये अविद्या यहां पे लिखा है पांच प्रकार की होती है। सबसे पहले तमा, तमा क्या होता है? अज्ञान। जब जीव पूर्ण रूप से ज्ञान में है तो अज्ञान क्या होता है? अज्ञान अंधकार है, इतना अंधकार एक हाथ को दूसरा हाथ पता नहीं लग रहा, आपने हाथ आगे किया आपको अपना हाथ भी नहीं दिख रहा, इतना अंधकार। तो बोलते जब इतना अंधकार है कि जीव अपने आप को नहीं देख पा रहा, पहचान नहीं पा रहा, तो वो भगवान को तो क्या ही समझ पाएगा। हम इतने अंधकार में ही तो हैं, हम यही नहीं समझ पा रहे कि मैं ये देह नहीं हूं, ये अंधकार ही तो है। मैं बस इतना भी नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, तो जब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं कौन हूं, तो मैं भगवान को या भगवान से अपने संबंध को कैसे समझ पाऊंगा। तो इसीलिए ये अविद्या जो तमा, और उसके बाद मोह। मोह क्या है कि कृत्य और अकृत्य विषयों में विवेक शून्यता है, क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें मेरा कोई विवेक नहीं है, डिस्टिंग्विशिंग इंटेलिजेंस खत्म हो गई है मेरी, विवेक शून्य हो गया, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए। और महामोह क्या है, मैं अभी बहुत ज्यादा नहीं समझा रहा हूं, नहीं तो बहुत आज खत्म नहीं हो पाएगा श्लोक। महामोह क्या है? ये भोग स्प्रिहा है। एक तो मोह है कि हमें यह समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना, और उस पर भी लालसा, मतलब एक तो आप गलत रास्ते पे चल रहे हो और उस पर भी स्पीड बहुत तेज है। लोभ का कारण आपकी स्पीड बहुत तेज है, गलत काम करने की स्पीड बहुत तेज है। एक व्यक्ति गलत रास्ते पे चल रहा है तो कई बारी शंका से वो देखते चलता है, धीरे धीरे चलता है, इधर देखता है उधर देखता है कि सही रास्ता है या नहीं। और एक व्यक्ति अंधकार में वो ये समझ ही नहीं रहा है कि मैं गलत रास्ता भी हो सकता है, वो भागे जा रहा है तेज स्पीड पे। 15 मिनट के बाद वो इतनी आगे पहुंच गया, जब उसको समझ में आया तो चल यार अब इस रास्ते पे जो आता वहीं चल लेते हैं, अब इतना पीछे क्या जाएगी, तो चलो हमारा नरकी हो जाते हैं, क्या करें। और एक बड़ी गलत फहमी रहती है, पता नहीं मजाक में बोलते हैं या सच में भी लोग सोचते हैं कि चलो यार इतनी सारी जनसंख्या, हमारे इतने मित्र संबंधी सब जो हैं, अगर नरक 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 आप बोलते तो ये सारे भी तो नरक में जाएंगे, तो चलो नरक में भी मेला ही होगा भैया, ये सब सारे वहीं जाने के मिलेंगे, स्वर्ग में तो अकेला पड़ जाऊंगा। और कई बार ये लोग फिर सच में भी मान लेंगे तो बात यार अगर मैं गलत कर रहा हूं, तू भी ये भी तो कर रहा है, मेरे सारी मित्र मंडली जो है, सारे दोस्त ये सभी गलत कर रहे हैं, आप बोल रहे हो शराब पीना मांस खाना गलत है, सारे ही मांस खा रहे शराब पी रहे, तो ये सारे ही जाएंगे ना फिर स्वर्ग में नरक में। तो नरक का एक फीचर है, अगर उनको पता नहीं है मैं बता दूं, नरक में एक फीचर है। नरक में फीचर क्या है कि नरक में एक जीव दूसरे जीव को नहीं देख पाता, नरक में हर जीव यही देखता है कि मैं अकेला हूं इतने बड़े नरक में। और नरक का एरिया जो है इस पृथ्वी से 500 गुना ज्यादा बड़ा है, समझ गए। तो जब व्यक्ति नरक जाएगा तो ये गलतफहमी में भी ना रहे कि ये मेरे साथ जाएंगे, तो चलो वहां कोई किसी को देख नहीं पाता, नरक की यही सबसे बड़ी सजा है। आपको ऐसे पानी में डाल दिया गया है जिसमें पस खून बदबू सब उसी में है, मांस तैर रहा है, खून तैर रहा है, बदबू और सबका मल मूत्र सब उसी में है, आप उसी में घुसे हुए हो, और आप उसमें घुसे और आप अकेले ही उसमें हो, दूसरा कोई नहीं है। ऐसा नरक की नीचे तांबे को पूरा तपा दिया गया और ऊपर सूरज की गर्मी, लेकिन सूरज का प्रकाश नहीं, गर्मी लेकिन प्रकाश नहीं, पूर्ण रूप से अंधकार, और आप तड़प रहे हो, भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, और बोल रहे कई करोड़ वर्ष जीव भागता रहता है इस सजा में, उसको राहत नहीं मिल रही और उसको दूसरा बंदा नहीं दिख रहा। तो इसीलिए सावधान, इसमें मत रहना गलत फहमी में कि हम सारे इकट्ठे नरक में जा रहे हैं, सारे इकट्ठे भगवत धाम जा सकते हैं यदि भजन करें तो, बाकी कहीं कोई इकट्ठा नहीं जा सकता, ये फैसिलिटी नहीं है हमें। तो तमा मोह महामोह और उसके बाद तामिस्त्र, ये तामिस्त्र नरक का भी नाम है, आप पढ़ना 5वें अध्याय का 26वां श्लोक है शायद, आखिरी श्लोक 26वां अध्याय, आखिरी अध्याय 26 ही है, 5वें स्कंद का आखिरी अध्याय, में पहला नरक तामिस्त्र बताया गया। तो तामिस्त्र यहां पे भी है, यहां पे इसका अर्थ है कि भोगों में बाधा आने पर क्रोध आना, माया भोगों में बाधा डालती है,
ताकि ये कृष्ण भजन की ओर जा सके। और हमारे बाधा पड़ जाए तो हमें और क्रोध आता है, माया नहीं बे तेरी वजह से हो रहा है, किसी एक बंदे को पकड़ लेते हैं इसकी वजह से ही हो रहा है। माया ऐसी कृपा करेगी आपका, अपने सगे संबंधियों से थोड़ा मोह कम हो जाएगा, आप एक दूसरे की गर्दन पकड़ लो, तेरी वजह से हो रही है, उसकी वजह से नहीं, माया कृपा कर रही है आप पे, ये कृपा कर रही है, मगर आप समझ नहीं रहे हो क्योंकि आपकी उस समय भोग बुद्धि है और भोग बुद्धि में बाधा पड़ रही है। जो वैष्णव होते हैं ना वो समझ जाते हैं, भगवान मुझे भोग नहीं करने देंगे, एक बार बाधा पड़ी, दो बार बाधा पड़ी, वो समझ जाएंगे अत्याहार नहीं करना भैया, समझ जाओ ठीक है, भगवान रोक रहे हैं, रुक जाओ यहीं पे, नहीं तो फिर बीमारियों से रोका जाएगा। एक व्यक्ति को रोका जा रहा है, भैया ना खाओ ना खाओ, वो बाहर से मंगाने की कोशिश कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। एक मुझे परसों मैसेज आया, मैकडॉनल्ड ने जैन बर्गर शुरू कर दिया है बिना प्याज लहसुन का। आज एक मैसेज आ गया, एक बर्गर में चूहे की पॉटी निकली है वो नहीं खा रहा है। मैंने कहा देखो भगवान सारे अरेंजमेंट कर दे, गलती से भी किसी के मन में ना आ जाए कि मैं वहां जाके जैन बर्गर खा लूं तो साथ में चूहे की पॉटी वाला मैसेज भी आ गया बर्गर में है इंस्टेंट साथ साथ दोनों आ रहे हैं। अब आप सब ऐसे ही समझ जाओ तो कितनी अच्छे जीवन हो जाए। आप समझ जाओ, देखो आप समझ जाओ भगवान का अरेंजमेंट है, ये आया माया ने दिया, भगवान ने साथ में दूसरा मैसेज भिजवा दिया। हाँ कौन, नहीं 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 एक की निकल गई, हमारी थोड़ी निकलेगी, ऐसे थोड़ी कि सारे चूहे हमारे वहीं जाके पॉटी कर रहे हैं बर्गर में, और जैन बर्गर में ही कर रहे हैं, हम तो खाएंगे तो फिर बीमारियां होंगी, फिर बीमारियों से आपको रोका जाएगा। बात यह है कि आप वैष्णव हो, आपको रोकना है इन सब चीजों से, आप मत पढ़ो इन सब चीजों में। अब आप सरलता से सुगमता से नहीं समझ रहे हो तो फिर दूसरे तरीके से समझाया जाएगा। कोतवाल है ना, कोतवाल के पास दोनों तरीके होते हैं, या तो पहले बातचीत से ही बात खत्म हो जाए, नहीं तो फिर कैदी बनाया जाएगा, फिर कैदी में भी फिर और कड़ी कैद और सजा बढ़ती चली जाती है वहां पे भी। तो तामिस्त्र और पांचवा है अंध तामिस्त्र। अंध तामिस्त्र क्या है, जिसमें भोग्य वस्तु के विनाश की आशंका से उसके रक्षा के लिए जीव का मन उसी में अभिनिवेश रहता है। ये सबसे खतरनाक है। ये सबसे खतरनाक कैसे है कि मेरी जो भोग्य वस्तु है कहीं इसका नाश ना हो जाए, ये मेरा इतना पैसा इतना स्टेचर ये वो सब कहीं कम ना हो जाए, कहीं मेरी स्थिति थोड़ी नीचे ना आ जाए, मेरा इस व्यक्ति से इतना प्रेम है कहीं इसका प्रेम मेरे लिए कम ना हो जाए, मेरा ये परिवार है कहीं इसका कोई सदस्य कम ना हो जाए। ये सब जो चीजें हैं, ये सब चीजों में क्या होता है, अभी तक तो देह की बात थी, अब इसमें मन भी पूर्ण रूप से, जब सब है, जब आप भजन कर सकते हो, ये वो स्थिति है कि आपके पास सारी चीजें हैं, आप चाहो तो भजन कर लो, लेकिन क्या है कि मन अब उसकी रक्षा में लगा हुआ है, अभी भी भजन नहीं कर रहा, कितनी खराब स्थिति हो गई। आपके पास वो सारी चीजें हैं जो भजन के लिए चाहिए, किसी को भी भजन के लिए तो वैसे कुछ नहीं चाहिए, मगर आराम से बैठ के आप भजन कर सकते हो, आपको कोई टेंशन भी ना मिले, तो आपने एक टेंशन ले ली कहीं ये खत्म ना हो जाए, कहीं ये मेरी स्थिति बिगड़ ना जाए, तो पूरा जीवन जीव उसी स्थिति को, जैसे भूत लग जाता है ना किसी को कि समझ ही नहीं पा रहा है, अब सब है तो वो सब खत्म ना हो जाए, जब वो सब नहीं है तो ये सब मिल जाए, अब मिल गया अब कहीं खत्म ना हो जाए, अब ये क्या स्थिति है, पागलों वाली लग रही है ना, यही स्थिति हम सब की है। तो ये पांच प्रकार की अविद्या, और फिर बोलते हैं कि चार अविद्या जो है ये अनर्थ भी होते हैं, तो चार प्रकार के अनर्थ भी होते हैं, अविद्या विनाश ही आते, अविद्या में ही चार प्रकार के अनर्थ भी आते हैं जिनका गुरुदेव विनाश कर देते हैं। ये सब हमारे भीतर है, गुरु कृपा से ये सब खत्म हो सकता है, हमने क्या करना है, अपना मन जो है वो गुरु सेवा में लगाना है, गुरु चरणों में लगाना है, विश्वास करना है, बस यही करना है, भजन करें, भजन करने से ये अनायास ही साइड से वैसे ही अनुषांगिक रूप से खत्म हो जाएगा। ये चार अनर्थ क्या है, दुष्कृत उत्थान अनर्थ, हमारी दुष्कृत हरकतों से, सुकृत उत्थान अनर्थ, अपराध उत्थान अनर्थ जो हम अपराध करते हैं, और भक्तियुक्त अपराध। भक्तियुक्त क्या होता है, जो भक्ति उत्थान अनर्थ है, भक्ति में गलत तरीके से अहंकार जब हमारा बढ़ जाता है तो वहां भी एक अनर्थ पैदा हो जाता है, जैसे ज्यादा शिष्य बनाने का, बड़ा आश्रम बनाने का, ये समझ गए, ये कब आए, भक्ति उत्थान अनर्थ है, ये भजन के बाद ही आए,
भजन से पहले किसी के अंदर नहीं आता कि मेरे बहुत सारे शिष्य हों, बाद में आ गया। तो ये सब अनर्थ हैं जो हमारे भीतर बाद में आते हैं, और जो ये सुकृत और दुष्कृत उत्थान अनर्थ हैं, इनके अंतर्गत भी बाबा बोलते पांच प्रकार की कलेश आ जाते हैं। सारी अविद्याओं की बात कर रहे हैं। अब ये ना समझ पाओ कि किसके अंतर्गत क्या है किसके नहीं, तो कम से कम ये समझ पाओ कि ये कलेश और ये अनर्थ है, अविद्या, अनर्थ और कलेश। कलेश सब तो आपको मिलता जुलता लगता है, फैमिलियर है ना हमारे साथ ये तो। आपको भी माता जी है, कलेश तो अच्छा लग रहा है, ये समझने की बात है। तो कलेश क्या है, ये हमारे कलेश क्या है कि सबसे पहला इसका नाम पहले कलेश का अविद्या ही है। एक तो अविद्या ही पांच प्रकार की होती है, फिर कलेश में भी एक अविद्या है, क्योंकि ये तो कलेश ही है ना। अविद्या का अर्थ है अनित्य वस्तु को नित्य समझना, है या नहीं? सबसे बड़ा कलेश, सबसे बड़ा कलेश क्या है, ये जो हम अभी इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं कि ये जितनी भी अनित्य वस्तु हैं इनको हम नित्य समझते हैं और नित्य को हम कुछ नहीं समझते हैं। आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। जो मेरी नजरों के सामने है वही नित्य है, जो मेरी नजरों के सामने नहीं थी किसने देखा है? किसने आया मरने के बाद बताने के लिए मैं वहां पहुंच गया हूं, है ना। तो हमारी बुद्धि यही काम करती है, भैया अभी जो सामने है ना यही है, अब जो है ये है, अब ये सवार ना पाए लगे रहे जी उसके पीछे, वो किसने देखा है? तो ये बहुत सारे लोग सहमत हो रहे हैं, नास्तिक नहीं, अपने आस्तिक लोगों का ही याद है, बस बोलते नहीं है, नहीं तो माइंड में यही होता है, अब यार वो देख लेंगे, वो देखते हैं, अभी तो पहले ये तो ठीक करें, ये जो हमारे सामने है इनको तो सही करें हम, है ना। तो अनित्य वस्तु को नित्य समझना ये सबसे बड़ा कलेश है। क्यों माता जी? पहले यहाँ के जितने बदले अदले से हम पूरे कर लें, उसके बाद भक्ति कर लेंगे आराम से, देखेंगे जो बता रहे हैं बाद में फॉलो करेंगे, पहले अपना पिछला जो मेरा आगे पीछे का है वो सब मैं सेटल कर लूँ यहाँ पे, फिर बहुत टाइम है करेंगे जो आप बता रहे हो। यही सबसे बड़ी गलती है, ये अनित्य को नित्य समझ रहे हैं, समय को तो ऐसे समझ रहे हैं कि वो हमारा गुलाम है, मृत्यु आएगी बिठा देंगे, रुको अभी हमारे बहुत से काम है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक छोटा सा बैक्टीरिया आके आपको बीमार कर जाएगा, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये जो हमारी बीमारी है ना, यहाँ अनित्य वस्तु को नित्य समझना ये सबसे बड़ा कलेश है। और फिर उसके बाद अस्मिता, अस्मिता का अर्थ है अहंकार। एक तो अनित्य को नित्य समझ रहे हैं, उसके ऊपर अहंकार भी है कि मैं सही व्यक्ति की ऐसी मैं होती है, मुझे कुछ नहीं हो रहा, समझ गए। अगर मैंने, मैं सत्य बात बता रहा हूँ, मैंने एक व्यक्ति को अभी पीछे थोड़े दिन पहले बोला, मैंने बोला भाई अच्छा चलो आप कुंडली वुंडली देख के ये भी पता लगा लो कि मेरी मृत्यु अभी आने वाली नहीं है, एक बार को अगर आप ये भी पता लगा लो तो बीमारी का तो नहीं पता ना, बीमारी कभी भी आ जाए, कोई भी आ जाए, कैसी भी आ जाए, कम से कम उसके लिए तो हमें आज से ही सावधान होकर चलना चाहिए कि अगर कभी भी मेरी ऐसी अवस्था हो गई, और सब छोड़ो बहुत तेज सिर दर्द हो जाए, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, सर दर्द हो जाए ना तो उसमें भजन नहीं होता। छोटी सी आम रोज की बीमारी है, मगर वो भी हो जाए तो अभी तक इतनी हमारा अभ्यास नहीं है कि बहुत तेज सर दर्द हो जाए तो उसमें भजन हो जाए। व्यक्ति गोली खाएगा, सो जाएगा, कुछ करेगा, ठीक होके फिर करेगा, मगर खराब अवस्था में नहीं हो पाता, समझ गए। तो इतनी खराब अवस्था कि एक सिर दर्द, पेट दर्द, इतनी छोटी छोटी सी बीमारियों में हमारा नहीं हो रहा, तो कोई बड़ी बीमारी होगी तो कैसे भजन होगा। तो इसीलिए तैयार रहना चाहिए हमें कि भैया भजन का ऐसा अभ्यास हो, या फिर कभी भी ऐसा बीमारी या मृत्यु आ जाए तो काफी भजन कराओ, मन लगाओ, इससे पहले ही मन भगवान में लगा ले ताकि वो बीमारी कम लगे हमें। जो व्यक्ति 100% यही मानता है कि मैं ये मनु, नाम ही मनु है, मन से चलने वाला मनु, तो हमारा नाम ही मनु है, और दूसरा देह में फंसा हुआ तनु। एक मनु और एक तनु। हम देह नहीं है, हमें ये समझना है, वो कैसे समझे, उसका नाम है तनु, मैं यही तनु और मैं यही मनु, मन से चलने वाली।
तो ये मनु और तनु जो हमने अपने आप को समझा हुआ है, ये मन से चलने वाला और तन को अपने को मानने वाला, ये अहंकार है और इसी को मिटाना है। ये भी एक कलेश है, तो मनु एक कलेश है, तनु एक कलेश है, ये हटाना है हमें। और संसार में इन्हीं की लीला चल रही है। तो अस्मिता अहंकार का ये कलेश है, फिर राग और फिर द्वेष और फिर उसके बाद अभिनिवेश। अभिनिवेश क्या है कि हमारा मरने का डर सबसे ज्यादा, क्यों? क्योंकि पूरा अभिनिवेश इसी संसार में है, तो मरने का बहुत डर लगता है, बस मरे नहीं। अच्छे अच्छे लोगों को बस मरने का ही डर लगता है, और जब वो स्वस्थ होते हैं तो निकृष्ट जीव, कोई नहीं मर रहा अभी, कुछ नहीं हो रहा, और थोड़ी सी अगर बात करो शुभ शुभ बात करो, भैया शुभ अशुभ कुछ नहीं है, ये वो सत्य है जो सबके सामने आता है, समझ रहे हो? वो इस बात की बात ही नहीं करना चाहते, वो देखना ही नहीं चाहते इस, और ये बात ही नहीं करनी मरने की, मरने की बात, क्योंकि मरने की बात करोगे तो बहुत कुछ आपको गलत दिखेगा अपना, ये सब मैं क्या कर रहा हूं। तो इसीलिए हम लोग उसको तो बिल्कुल साइड कर देते हैं कि मरने की तो बिल्कुल बात ही मत करो, बैठे कहां है दूसरे की क्रिया में। और अगर बात कर दो उनके मरने की तो ये तो बहुत बुरा लग जाएगा, मेरे मरने की बात मत करना। कोई अपने मरने की बात नहीं करना चाहता, वो बेचारा ऐसे मर गया, उस बेचारे के साथ ऐसे हो गया, रोज बात कर रहा है। यही यक्षों ने युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न किया था कि सबसे ज्यादा हैरानी की चीज क्या है इस जगत में। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा हैरानी की चीज ये है कि जीव रोज देख रहा है कि मृत्यु हो रही है, मगर वो कभी ये नहीं मानता कि मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। ये सबसे ज्यादा हैरानी की चीज है। तो ये पांच प्रकार के कलेश हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। और भोग अभिनिवेश रूपी जो हमारी बुद्धि है वो भी ये कलेश के अंतर्गत ही आती है, जो भोगों में हमारा अभिनिवेश है। एक अभिनिवेश तो मृत्यु का डर, और एक जो हमारा भोगों में अभिनिवेश है, ये भी बहुत बड़ा कलेश है। बहुत सारे भोगों में हमारा मन बस रमता ही भोग में है, है नहीं? हैरानी से देख रहे हो, भोगों में अभिनिवेश हमारा, जितने भी जो जो भी अलग अलग प्रकार के हमारे भोग हैं उसमें हमारा पूर्ण रूप से मन लगा हुआ है। आप जितनी मर्जी बात कर लो, कल संडे है मैंने पूड़ियां खानी है मंगा के। ये है भोगों का अभिनिवेश, वो पूर्ण रूप से वही है। आप जितना मर्जी बता दो जी बर्गर में ये आ गया, वो आ गया, ऐसा आ गया, वैसा आ गया, मैंने संडे को जाके खाना है, और फिर आके आपको बताना है मेरे बर्गर में कुछ नहीं आया था। पूर्ण रूप से भोगों में अभिनिवेश, हम सबको भूल जाते हैं, सबकी भगवान प्रेम से समझा रहे हैं, गुरु प्रेम से समझा रहे हैं, माया भी प्रेम से पहले समझाती है, सब पहले प्रेम प्रेम से समझा रहे हैं, वो हमें समझ में नहीं आती, उस समय हमारा पूरा अभिनिवेश रहता है। और जब अस्पताल में जाता है तो नहीं नहीं आगे से ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, और जब तक बीमारी का थोड़ा अंश उसके देह में रहता है तब तक सब करता है। जैसे ही वो गायब हुआ फिर वो सोचता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, और फिर उसके बाद उससे बड़ी बीमारी, और अंत में जब वो समझ पाता है कि मैंने ये गलत कर दिया तो वो समय नहीं रहता। तो इसीलिए दुखद अंत होता है इस जगत में। एक बार एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव ये कुछ लोग बोलते हैं कि संसार जो है ये बड़ा दुखद है, नरक है, बड़ा संघर्ष है, कई लोग बोलते हैं कि संसार तो खेल है, ये तो बस खेल चल रहा है यहाँ पे, और कई लोग बोलते हैं कि ये संसार तो यार बड़ा सुखद है, बड़ा आनंद है, तो ये कौन सी चीज सत्य है इसमें? गुरु ने बोला देखो जिनके जीवन में गुरु आश्रय है ही नहीं उनके लिए संसार सदा दुखप्रद ही बना रहेगा, और जो गुरु धारण किए हुए शिष्य हैं मीडियोकर, गुरु तो धारण किए समझ तो रहे हैं मगर पूर्ण रूप से अभी समझना नहीं चाह रहे, उनके लिए ये संसार खेल है, और जो गुरु सेवा कर रहे हैं और गुरु आश्रित हैं उनके लिए जगत सुखद ही है, क्योंकि वो यहाँ रहते हुए भी यहाँ के नहीं है, तो वो जहाँ के हैं वो सदा सुखद ही है। हाँ यही माया है, यही मैंने कहा ना अभी, मैं इतनी देर से यही तो बता रहा हूँ, यही माया है। माया क्या है? वो माया आपको सत्य का दर्शन नहीं होने देगी, अंधकार, तमा। तमा में क्या है कि जो नहीं है वो आपको दिख रहा है और जो है वो आपको दिख नहीं रहा, अनित्य को नित्य दिखा रहा है वो,
वो इस संसार को दिखा रहा है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पर ये वही बात है, थोड़े से समय की बात है, थोड़े से समय की, उस थोड़े से हमें लगता है बहुत बड़ा समय है, देखो जी हम 10 साल से देख रहे हैं, पूरा इंजॉय कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर ये बहुत थोड़ा सा समय है। उसके बाद जब उसके देखो प्रारब्ध क्या होते हैं, जो एक छोटा सा पाठ हमें दिया गया है इस जन्म इस जीवन के लिए, अब उस प्रारब्ध में आप सफ़ेद रंग कर लो तो फीके पड़ जाएंगे, काला कर दो तो और गाढ़े पड़ जाएंगे, वही प्रारब्ध। तो प्रारब्ध तो हैं, अब हमारे खराब कर्मों से, मान लीजिए बहुत अच्छे भी थे, पूरे वाइट थे सब, कोई उसमें दाग नहीं था, वो ऐसे प्रारब्ध में लेके आया था, तो काले कर्म करते 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 क्या होगा, थोड़े समय के बाद वो प्रारब्ध भी काले और अपने कर्म भी काले, तो सारा जो भोगना पड़ेगा वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे अहंकारी जीवों को मैंने, क्योंकि अस्पताल में तो मेरी यात्रा बहुत ज़्यादा ही रहती है, तो बहुत अहंकारी जीवों को मैंने देखा है कि बाद में क्या उनकी हालत हो जाती है। मगर समस्या ये है, क्योंकि गुरु आश्रय भजन आश्रय कभी रहा नहीं, कभी रहा नहीं, तो बुद्धि रोती तो है, तड़पती तो है, पर किस दिशा में जाना है ये नहीं समझ पाती, क्योंकि ये कितनी गलत, कितना मतलब दया आती है कि इस समय भी वो नाम नहीं ले पा रहा, वो हरि नाम नहीं ले पा रहा, क्योंकि पूरे जीवन लिया ही नहीं ना। आप मर जाओ बोल बोल के, यार अब तो नाम ले लो, नाम ले लो, नाम ले लो, नाम ले लो, तो ऐसे होएगा मैं मर रहा हूं, तेरे को ये सब अभी उपदेश सूझ रहा है, इससे क्या होएगा, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, नाम लूंगा तो निकल जाऊंगा अस्पताल से, ठीक, समझ गए। अब वो समझ ही नहीं रहा है, क्योंकि पूरा जीवन नहीं लिया। भक्त के जीवन में कष्ट आएगा, मान लीजिए अगर कष्ट भी आ गया, उसके कुछ खराब कर्म भी रहे हैं, प्रारब्ध भी खराब है, कर्म भी उसने कुछ खराब करे, पर तब भी अंत समय में तो बुद्धि काम करेगी कि भैया अच्छा चलो अब कुछ तो नाम ले लूं, थोड़ा तो नाम ले लूं, ये तो नहीं कहेगा कि नहीं मैं ये सब नहीं मान रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। अगर भक्त है तो अंत में मुसीबत में ये तो समझेगा कि मुझे इस दिशा में जाना है, मैंने गलती करी, मैं ये कर देता। अगर अंत में भी जो धृतराष्ट्र थे उनको जब विदुर जी ने समझाया, बहुत गंदा बोला, गंदा ही बोल के जीव समझता है, प्यार से जब नहीं समझता, जब इतना अंधकार में वो नहीं समझता, अंत में बोला कि आप क्या गड्ढे में गिरे हुए हो, आपकी हालत तो कुत्ते के जैसी है जिसको रोटियां डाल के जाता है, और फिर भी आप द्वार पे बैठा रहता है, वो कुत्ता पूंछ हिलाता रहता है, वैसे ही तो हो गए हो आप। जिन पांडवों की इतनी बुराई करते थे, मरवाने का इतना आपने षड्यंत्र रचा, सब कुछ रखा, आज उन्हीं की बैठ के रोटियां खा रहे हो, ऐसा बोला उन्हें, और ऐसे कड़े शब्द इसलिए बोले कि अब समझ जाए, और समझ गए। और रात रात में उन्होंने कहा भीम वगैरह ये सब मुझसे प्रेम बहुत करते, वो तो प्यार से अपने पिता समान ही मानते थे, बाद में भी उन्होंने कहा ये बहुत प्रेम करते, ये जाने नहीं देंगे, तो रात के अंधकार में ही निकल गए, अंधे थे, थोड़ी आगे जाके किसी गड्ढे में गिर गए, निकालने वाला कोई है नहीं वन में, एक सप्ताह उसी गड्ढे में गिरे रहे, और एक सप्ताह बाद मृत्यु हो गई और भगवत प्राप्ति हो गई। क्यों? क्योंकि अंत में समझ में आ गया, और समझ कैसे आया, महत कृपा हो गई विदुर की, ये महत कृपा हो गई, ये होती है अकारण कृपा। पहले तो मोह था दुर्योधन का, वो समझने नहीं देता था, ये बहुत सारे कलेश है ना जो भी बताए, अहंकार मनु तनु ये सब लगे हुए हैं, तो समझ में नहीं आ रही। और उसके बाद जब ये अहंकार हट गया, जब क्या अहंकार के सारे साधन हट गए, बच्चे मर गए, सब कुछ मर गया, जो मोह था जिससे था वो भी मर गया, कोई साधन ही नहीं रहा ना मोह का ना किसी चीज का, अहंकार भी किसी चीज का नहीं, राजा भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहे, सब खत्म हो गया, राज्य भी नहीं रहा बिल्कुल, जब सब खत्म हो गया तब बुद्धि बात समझ में आई, महत की बात पहले समझ में भी कहाँ आती है, सरलता से जब समझाई जाती है तो नहीं समझ में आती ना। जब पूर्ण रूप से सारे आश्रय खत्म हो गए, कोई आश्रय नहीं रह गया, कुटुंब खत्म हो गया, धन खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं रह गया, अब उसकी बात समझ में आई, और तब भी समझ में आ गई तो भगवान भगवत प्राप्ति करा देते, भगवान की करुणा देखो, अब भी समझ में आ गई तो भी करा देते। तो इसीलिए सरलता से पहले ही समझ जाए, अपना सारा कुटुंब का विनाश करा दिया ये सब, अगर पहले विदुर की बात समझ जाते तो क्या कुटुंब का विनाश होता। भगवान ने धृतराष्ट्र को बोला जिस समय तुमने विदुर को निकाल दिया था यहां से, वो यहां से चले गए थे, उसी समय तुम्हारा विनाश निश्चित हो गया था। एक भक्त भी हो तो वो बचा लेता है विनाश से। ये भगवान कृष्ण ने बोला था कि अगर बड़ी कृपा है कि विदुर वहां नहीं है,
अगर कौरवों के संग विदुर वहां खड़े होते, अगर वहां होते तो कौरवों के साथ विदुर को भी खड़ा होना पड़ता, अगर विदुर वहां मेरे विपक्ष में खड़े होते तो मैं यहां अर्जुन तुम्हारे साथ खड़ा भी नहीं हो सकता था, विदुर के तो विपक्ष पे मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, वो मेरा ऐसा भक्त है। ये तो वो है ही नहीं, युद्ध से पहले ही विदुर निकल गए थे, या यूं समझो कि भगवान ने पहले ही उनको निकलवा दिया, तो पहले ही निकल गए तो ये युद्ध हुआ, अगर विदुर होते तो भगवान बोले तो मैं खड़ा भी नहीं हो सकता था। ऐसी भगवान की करुणा अपने संतों पे होती है, और ऐसी संत की दृष्टि और कृपा होती है कि अगर वो संत वहां खड़े हैं तो पूरा कुटुंब बचा के रखेंगे। अगर आपके जीवन में गुरुदेव हैं तो निश्चिंत रहो, आपको बचा के रखेंगे। मगर अगर नहीं है, आपने अवज्ञा करनी प्रारंभ कर दी, तो फिर आपकी कोई रक्षा नहीं कर सकता, ये बात भी सत्य है। ठीक है, जल्दी चलते हैं आगे। तो वेदे गाय जहार चरित्र, तो वेद जो हैं वो भी सारे यही चरित्र का गान करते हैं। ये जो हम इतनी देर से बात करें, सारे वेद गुरुदेव के चरित्र का ही गान करते हैं। वेदे गाय जहार चरित्र, सारे वेदों में कहीं पे भी आप उठा के देखो तो वहां गुरु की महिमा का गान जरूर किया होगा। यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु, जो ऐसा शिष्य है जो हरि और श्री गुरु को समान रख के भक्ति करता है। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, जैसे भगवान वैसे गुरु, इनमें कोई भेद नहीं है। इस भक्ति को पराभक्ति बोला जाता है, परम भक्ति है। परम भक्ति क्या है? जिसमें गुरुदेव और भगवान को समान रख के भजन किया जाता है। हरि गुरु भक्ति के प्रभाव से उसके भीतर उसके जितने भी वेद हैं वो सारे स्फुरित हो जाते हैं। वेद गाय जहां चरित्र का एक ही अर्थ भी है, सारे वेद गुरुदेव की महिमा का गान कर रहे हैं और सारे वेद उस भक्त के समक्ष खुद ही प्रकट हो जाते हैं। आपने आप सारे शास्त्र तो वैसे भी नहीं पढ़ सकते, पर सारे शास्त्रों का ज्ञान आपको हो जाएगा यदि आप ऐसी भक्ति करते हो। कैसी भक्ति? जहां आप गुरु में और भगवान में भेद नहीं समझते, समान रूप से जितनी गुरु के प्रति श्रद्धा है, जितनी भगवान के प्रति श्रद्धा है, उतनी गुरु के प्रति श्रद्धा है। अगर ऐसा भजन किया जाए तो फिर कोई नहीं रोक सकता आपको इस जन्म में भगवत प्राप्ति ना होने से, होगी ही होगी। इसमें बाबा ने उदाहरण देके बताया कि जैसे सत्यकाम जवाल था, ये शांडोग्य उपनिषद में इनकी कथा आती है। 10-15 मिनट में जो जो बाबा ने उदाहरण दिए ये सब आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो जवाल जो थी, इनकी माता थी, जवाल माता थी और पुत्र का नाम था सत्यकाम। सत्यकाम ने अपनी माता से पूछा कि माता मेरा गोत्र क्या है, मैं ब्रह्म विद्या सीखने चाहता हूँ। तो ऋषि के पास गया, ऋषि ने बोला कि अपना गोत्र पता करके आओ। तो मेरा गोत्र क्या है? जवाल जो थी वो वेश्या थी। जवाल ने बोला कि मैं जानती नहीं कि तुम्हारे पिता कौन है, तो मुझे तुम्हारा गोत्र नहीं पता, तुम अपना गोत्र सत्य काम जवाल रख लो। सत्य काम तुम्हारा नाम है, जवाल मेरा नाम है, बस यही है कि मैं तुम्हारी माता हूँ, तो तुम्हारा यही गोत्र, गोत्र पिता का नहीं तो दिया जाता है। तो उन्होंने कहा ये तो मुझे नहीं पता है, पर सत्य काम जवाल यही रखो, वो पूछे कौन तो बोलना हमारा गोत्र सत्य काम जवाल है और वो तुम्हें अपना लेंगे। जब वो गुरु के पास गए, गौतम ऋषि के ही आगे वो वंशज थे, उनके परंपरा में ही थे। जब वो गुरु के पास गए, उनसे पूछा, उन्हें बोला कि मैं ब्रह्म विद्या लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा ब्रह्म विद्या लेना चाहते हो, आपका गोत्र क्या है? बोले मेरी माता से मैंने पूछा था तो माता ने बोला मैं तो वैश्या हूँ, मुझे मेरा गोत्र पता नहीं है, जब गुरु जाके पूछे तो बोल देना सत्यकाम और जवाल यही मेरा गोत्र है। गुरु ने बोला इतना सत्यनिष्ठ कोई ब्राह्मण ही हो सकता है, कोई बड़ा ही सद्विचार वाला व्यक्ति ऐसा सत्यनिष्ठ हो सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को दीक्षा दे देनी चाहिए। उन्होंने गुरु ने अपना लिया, कुछ नहीं देखा, केवल उनका ये गुण देखा कि इतना सत्यवादी कि जो माता ने बोला आके झूठ बोलता, पर झूठ ना बोल के इसने वही सत्य बात बताई। तो उन्होंने उनको अपना लिया और आगे उनको जाके बोला कि आप जाओ और गौ रक्षा का आपको मैंने भार दिया, आप जाओ गायों की, जितना ये जो गायें थे इन सब की रक्षा किया करो। जिस समय उन्होंने गायें दी उस समय बोलते 300-400 गायें थी। तो उन्होंने बोला कि जब ये कैसे पता लगेगा मुझे कि तुम ठीक रूप से ये जो गौए हैं इनकी सेवा कर रहे हो, तो जब ये 300-400 गायें 1000 हो जाए ना तब लेके आना।
मेरे पास, तो मैं समझूंगा कि ठीक से तुमने पूरा इनकी अच्छे से रक्षा करी कि भाई 300 जो है 1000 हो गए। वो कई साल तक ऐसे ही सेवा करता रहा अपने गुरु के कहने पे। आया क्यों था? ब्रह्म विद्या प्राप्त करने। लगा किस काम दिया? जाओ 300 गायों को 1000 करके ले आओ। कोई व्यक्ति सोचे यार मैं ही शायद गलत दरवाजे आ गया, मगर नहीं, गुरु निष्ठा थी। गए 300 गायें, जब 1000 हो गई, उनकी इतनी सेवा करी, गऊओं की इतनी सेवा करी कि उसमें एक ऋषभ बैल जो थे उन्होंने उनको बोला कि मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या का ज्ञान देता हूँ। तुमने इतनी सेवा करी, इतनी सेवा की, एक गाय को मरने नहीं दिया, कुछ नहीं किया, बल्कि हमारा इतना बड़ा कुटुंब कर दिया, 300 से 1000 कर दी। तो 16 कला की ब्रह्म विद्या होती है। बोले 4 कला मैं तुम्हें दे सकता हूँ। 4 कला वो ऋषभ ने उन्हें दे दी। थोड़ी आगे गए तो अग्नि प्रकट हो गई, अग्नि ने उनको 4 कला दे दी। फिर थोड़ा आगे गए तो हंस ने उन्हें 4 कलाएँ दे दी। और फिर थोड़ी आगे गए तो वायु ने उन्हें 4 कला दे दी। पूरे 16 कला संपन्न हो गए, ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली। अभी गुरु के पास पहुँचे नहीं है वापस, और लेकिन फिर भी गुरु निष्ठ थे। बोले ये ब्रह्म विद्या सब मैंने अपने सुन ली, पर अभी मैं गुरुदेव से ही प्राप्त करूँगा यदि मैं इसका योग्य होऊंगा तो। तो जाके उन्होंने गुरुदेव को समर्पित किया कि ये लीजिए गुरु जी, आपका जो गौवंश था वो 1000 से ऊपर हो गया जो आपने सेवा दी थी। और ऐसे ऐसे रास्ते में मुझे इन सब ने, गुरु जी ने बोला आपकी शक्ल देख के, अभी बताया नहीं था, उन्होंने कहा आपकी शक्ल देख के, आपका तेज देख के मैं जान सकता हूँ कि आपको ब्रह्म विद्या प्राप्त हो गई है। गुरुदेव क्षमा करना, मैंने इसके लिए कोई कार्य किया नहीं है कि मुझे प्राप्त हो, ऐसे ऐसे ये रास्ते में इन चारों ने मुझे ये ब्रह्म विद्या दे दी। गुरुदेव अति प्रसन्न हुए और बोलते उनकी प्रसन्नता से फिर उनकी ब्रह्म विद्या जो है वो निष्ठ हुई और आगे जाके वो आचार्य बने। तो ऐसे ही फिर इनके शिष्य उपकौशल आए, उपकौशल के साथ भी ऐसे ही हुआ, ये इनके सत्यकाम के फिर यही आचार्य बन गए, ब्रह्म ऋषि हो गए। तो इनके भी शिष्य हुए, इनके शिष्य उपकौशल ने बोला कि मुझे ब्रह्म विद्या चाहिए। वो भी बड़े गुरु निष्ठ थे। उन्होंने बोला तुम यहाँ पे, क्योंकि इन्हें भी कुछ 4 कलाएँ अग्नि से मिली थी, इन्होंने कहा तुम अग्नि की सेवा करो। अग्नि की सेवा में सारे काम जितने भी अग्नि के होंगे, रात को लैंप जलाना और खाने के लिए भी अग्नि जलाना और जितने भी हवन करना, ये सब करना, सब अग्नि की पूर्ण रूप से सेवा करें। उपनिषदों की बात है, अब आप लोग आज समझ नहीं पाओगे कि कैसे अग्नि की सेवा और ये सब। तो अग्नि की सेवा करी, अग्नि की सेवा करते 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 बोले अग्नि इनसे बहुत अच्छे से प्रसन्न हो गए अग्नि देवता। अग्नि देवता के प्रसन्न होने से इनकी जो सत्यकाम की पत्नी थी, सत्यकाम जवाल याद है ना, कोई है, सत्यकाम की जो पत्नी थी, उन्होंने बोला कि ये उपकौशल जो है अब ये बिल्कुल उपयुक्त पात्र है कि आप इसे ब्रह्म विद्या प्रदान कीजिए, तो आप कीजिए। अगले दिन सुबह बोलते सत्यकाम उठे और चले गए। कहाँ चले गए किसी को पता ही नहीं है। अब जो उनकी गुरु माता थी वो यहाँ ही थी, वो गुरु माता की सेवा करते रहे और अग्नि की सेवा करते रहे। और करते 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 कुछ दिन के बाद ही बोलते अग्नि ने उन्हें आके ब्रह्म विद्या दान में दे दी, प्रदान कर दी। और अग्नि ने जब ब्रह्म विद्या प्रदान कर दी, तब भी इनके भीतर ये नहीं आया कि देखो मेरे गुरु ने मुझे नहीं दी, जब इतना कुछ करा और आज मैं ब्रह्म ऋषि बन चुका हूँ। तब भी अपनी गुरु माता की वैसे ही सेवा करते रहे जैसे एक बालक सेवा करता है अपनी माता की, और इंतजार करते रहे कि जब गुरु आएंगे तो वो मुझे ब्रह्म विद्या देंगे। और जब उस समय के बाद वो इनका टेस्ट ही ले रहे थे, कुछ समय के बाद जब वो आए उन्होंने देखा कौशल को भी कि इनको ब्रह्म विद्या तो प्राप्त हो गई है। उन्होंने अपने गुरु जी को समर्पित करके कहा यदि आप कहोगे कि ब्रह्म विद्या आपको मिल गई है तो ही मैं जानूंगा कि ब्रह्म विद्या मिल गई, नहीं तो मैं ऐसे ही सदा यही कार्य करता रहूंगा जो मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने फिर उनको वही आशीर्वाद दिया और उन्होंने गुरु भक्ति से, ये सब गुरु भक्ति के बाबा ने उदाहरण दिए कि कैसे सारे वेद ब्रह्म विद्या भी जीव को प्राप्त हो जाती है यदि गुरु के वो निष्ठ होता है। तो उपकौशल को भी ब्रह्म विद्या प्राप्त हो गई। फिर बाबा ने बताया कि जैसे वेद अनुगत महाभारत में उपमन्यु और उतंग की भी कथा आती है। उपमन्यु जो थे, इसकी कथा वैसे मैंने आपको बताई हुई है, ये अपने गुरु के पास गए कि मुझे ऐसे ऐसे भजन करना है और भगवत प्राप्ति करनी है, उपमन्यु। तो गुरुदेव ने बोला कि ठीक है आप जाके गऊओं की सेवा करो, ये गऊओं को लेके जाओ, इनका दूध वगैरह निकालो सब करो, और ये सारा जो है सारा गौवंश इनकी सेवा करो। वो सुबह जाते शाम को आते, सुबह जाते शाम को आते। थोड़े दिन बाद गुरुदेव ने देखा बम मोटा हट्टा कट्टा हो रहा है, रोज़ हम इसको भेजते हैं, ये करते हैं, कोई इसकी सेहत में याद आ रहा है आपको थोड़ा, तो हट्टा कट्टा हो रहा है। गुरुदेव ने बोला भैया आप इतना हट्टे कट्टे हो रहे हो, सब हो रहे हो, आप कभी कुछ
दिखते तो नहीं खाते हुए। बोले गुरुदेव आप मुझे भेजते हो गौओं की सेवा करने के लिए, गौएं घास खाती है, मैं जाके भिक्षा मांगता हूँ जब तक, और भिक्षा मांग के मैं अपना खा भी लेता हूँ, जब तक गौएं भी घास वास खा लेती है मैं गौओं को लेके आ जाता हूँ, फिर इनका दूध वूध निकाल के इनके बछड़ों को दे देता हूँ। गुरु जी ने कहा बेटा तू शिष्य बना तो तूने जो भिक्षा मांगी वो भिक्षा ला के तो तूने गुरु के पहले समर्पण ही नहीं करी। जब गुरु शिष्य बनाते तो शिष्य का कार्य भिक्षा मांग के सारी भिक्षा गुरुदेव को दे, फिर गुरुदेव उसमें से जो दें वो तू ले ले। ठीक है गुरुदेव गलती हो गई, कल से यही करूँगा, कल से भिक्षा मांग के सारा गुरुदेव को देते। गुरुदेव उनका इम्तिहान लेना चाहते थे, वो सारा ही खा जाते, उसको कुछ ना देते शिष्य को। एक महीने बाद देखा शिष्य और थोड़ा तगड़ा हो गया। गुरुदेव ने कहा भैया अब कैसे तू तगड़ा हो रहा है, तू सारा तो मैं खा जाता हूँ, तेरे भीतर तो बड़ा शरीर दुबला हो जाना चाहिए था, तुझे कुछ मिलता नहीं। बोले गुरुदेव आपने कहा था तो जितनी भी भिक्षा मैं करता हूँ वो सब आपको दे देता हूँ, वो सारा आप पा ले तो फिर मैं अपने लिए थोड़ी सी और भिक्षा कर लेता हूँ, वो मैं खा जाता हूँ। गुरुदेव ने कहा ये पाप है, आपको कुछ नहीं पाना है, आपको भिक्षा करनी ही नहीं है। आज से मैंने आपको निर्देश देता हूँ कि आप आदेश देता हूँ आप भिक्षा नहीं मांगोगे। ठीक है गुरुदेव, गुरुनिष्ठ थे, ऐसा नहीं कि अपराध करना चाहते थे, गुरुनिष्ठ थे, भोले थे। एक महीने बाद गुरुदेव ने देखा इनकी सेहत में कोई फर्क नहीं आया, लाली और आ गई है गालों पे। गुरुदेव ने कहा अब तुम्हारा कैसे निर्वाह हो रहा है, तुम तो भिक्षा भी मांगने को मना कर दिया। बोले भिक्षा नहीं मांगता गुरुदेव, अब तो जो गाय दूध देती है थोड़ा बछड़ा पीता है, थोड़ा मैं पीता हूँ, 100 गौओं ऐसा हो गौओं का थोड़ा थोड़ा दूध पीता हुआ जाता है। गुरुदेव ने कहा ये तो चोरी हो गई, वो सारा दूध जो है वो तो पहले बछड़े पीते थे, अब थोड़ा थोड़ा तुम पीने लगे। बोले थोड़ा थोड़ा 100 गौओं से पीता हूँ तो इनको पता भी नहीं लगता। बोले नहीं पीना तुम्हें, सारा दूध बछड़ों के लिए, तुम नहीं पियोगे आज के बाद। ठीक है गुरुदेव, एक महीना फिर ऐसे ही व्यतीत हुआ, फिर देखा वैसे ही गुरु शिष्य अभी भी लाल का लाल। गुरुजी ने पूछा आप तुम्हारा निर्वाह कैसे हो रहा है, आप खाना कैसे कह रहे हो। बोले गुरुजी ये सारा जो बछड़ा है वो दूध पी लेती है, जो बछड़े के दूध मुंह से गिर रहा होता है ना मैं वो पी लेता हूँ, सारा थोड़ी ना बेचारा बछड़ा पी पाता है, पीता बछड़ा ही, मैं गौआ से नहीं लेता, जो बछड़े के मुंह से गिरता है मैं केवल वो ले लेता हूँ। गुरुदेव ने कहा बेटा ये भी नहीं करना, तुम्हें लेना ही नहीं है। अच्छा गुरुदेव मैं दूध लूंगा ही नहीं आज के बाद। ठीक है, अब वो भी लेना बंद कर दिया। अब उसके बाद बोलते फिर एक महीने बाद देखा तो वो, एक महीने बाद नहीं कुछ दिन बाद ही कुछ, अब वो क्या करता था कि जब ये भी नहीं पीना, भिक्षा भी नहीं मांगनी, दूध भी नहीं पीना, तो उसने जाके जंगली पत्ते खाने शुरू कर दिए वृक्ष के, और पत्ते खाने शुरू किए तो वहां पे कुछ जहरीले पत्ते थे, वो पत्ते खाने से वो अंधा हो गया। और अंधा होके तो गुरुजी ने जब अभी आता तो अंधा होके आता आया ही नहीं, गुरुजी ने देखा कि आज तो वो आया ही नहीं, मेरा शिष्य जो उपमन्यु थे ये पहुंचे ही नहीं। अब गुरुदेव को चिंता होने लगी, उन्होंने कहा मैंने बेचारे पे इतना शासन कर दिया, कहीं कोई आत्महत्या टाइप ही बेचारे ने कुछ ना कर लियो, तो अब गुरु को अपना थोड़ा कसूर लगे, मुझे इतना कठोर नहीं होना चाहिए था। वो जानते तो थे ये बहुत बड़ा भक्त है हमारा, मगर इम्तिहान ले रहे थे, अब उन्हें बहुत बुरा लगने लगा। उपमन्यु उपमन्यु कहते कहते वन में गए, गुरुदेव खुद आगे जाके देखा तो एक गड्ढे में गिरा हुआ, क्योंकि अंधे हो गए थे गौवंश के पीछे पीछे चल रहे थे, एक कुएं में बोलते सूखा कुआं था उसमें गिर गए थे। आवाज लगाई उपमन्यु उपमन्यु, बोले गुरुदेव मैं यहाँ नीचे गिरा हुआ हूँ कुएं में। बोले आओ मैं आपको हाथ देता हूँ बाहर निकाल दो। बोले गुरुदेव मैं अंधा हो गया हूँ, पता नहीं मैंने क्या क्या करा, गुरुदेव आपने सब मना किया था, मैं सूखे पत्ते खा रहा था, न जाने कौन सा पत्ता खा लिया, गुरुदेव समझ गया जहरीला पत्ता खा लिया इसने वहां से। बोले अच्छा मैं आपको अश्विनी कुमारों का मंत्र बता रहा हूँ, आप इस मंत्र का जाप करो, अश्विनी कुमार अभी प्रकट हो जाएंगे। मंत्रों का उनको दिया, अश्विनी कुमार प्रकट हो गए, अश्विनी कुमार ने उनके नेत्र सजल कर दिए, सब ठीक हो गए नेत्र, चिकित्सा कर दी, उनके नेत्र वापस आ गए। उसके बाद उन्होंने खीर दी, उन्होंने बोला अब ये खीर खा लो, औषधि मिली हुई है इसमें, इसके बाद तुम पूरे तंदुरुस्त हो जाओगे। बोले ये तो मैं नहीं खा सकता, गुरुजी ने दूध तक मना किया है, दूध की खीर बनी होती है, और उसके बाद भिक्षा और उसके बाद खाना सब मना है मुझे, मैं नहीं खा सकता, पहले गुरुजी को दो। उन्होंने बोला तुम्हारे गुरुजी ने भी खा लिया था जब औषधि रूप में दिया था, ये औषधि है, औषधि खाना नहीं होता, वो खाना अलग होता है, ये तो औषधि। बोले नहीं है मैं नहीं पाऊंगा। वो बोले दोबारा अंधा कर दूंगा अगर हो जाओगे, अगर ये नहीं खाओ। बोले दोबारा अंधा कर दो, मार दो, पर जब तक गुरुजी नहीं पाएंगे मैं नहीं पाऊंगा। गुरुजी ऊपर खड़े हुए सब सुन रहे थे। जब गुरुदेव ने ये बात सुनी, उपमन्यु को बाहर निकाला, बोला बेटा खा लो, ये हमने ले ली। वो खीर उन्हें खिलाई, और उसी दिन बोलते उपमन्यु को जितना ब्रह्म ज्ञान था गुरुदेव ने तत्क्षण उसी समय वो सारा ब्रह्म ज्ञान गुरुदेव ने उसको उपमन्यु को दिया। फिर उतंग ऋषि है, उतंग ऋषि की भी लंबी स्टोरी है, कभी बाद बताऊंगा। तो उतंग ऋषि जो है ये भी बस ऐसे समझो शॉर्ट में कि
अपनी गुरु माता को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगी, तो गुरु दक्षिणा में गुरु माता ने कंगन मांगे। वो कंगन किसी असुर के पास थे, वो असुर से वो कंगन लेके आ रहे थे, असुर को मार के बड़े बल विद्या से उससे असुर को मार दिया। कंगन ले आए कि मुझे गुरु माता के लिए लेके जाना है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि छोटा सा बालक और वहाँ गए। उतंग ऋषि हैं ये, तो गए वहाँ पे, उन्होंने उस समय ऋषि नहीं थे अभी, उस समय तो ब्रह्म विद्या भी प्राप्त नहीं हुई थी, तो गए वहाँ असुर को मार के लेके आए कंगन। जब लेके आए तो स्नान करने के लिए गए नदी में, वो कंगन वहीं रखे थे, वो कंगन तक्षक सांप ले गया और तक्षक सांप लेके पाताल में चला गया। यार इतना सब जाके लेके आया, यहाँ से सांप लेके पाताल में चला गया। अब उन्होंने इंद्र की स्तुति करी, इंद्र की सेवा करी, इंद्र को खुश करा। जब इंद्र को खुश करा तो इंद्र से फिर वो तक्षक सांप से उन्होंने वो कंगन लाके अपनी गुरु माता को दिया, तो तब उनके गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए कि एक गुरु माता के गुरु दक्षिणा के लिए इसे कितना कितना असुरों से लड़ा, ये करा, तक्षक सांप तक से लेके आया। तक्षक सांप ने बड़ी मुश्किल से दिया था वो कंगन, तो इनके भीतर वो था कि ये तक्षक जो है इसने मेरा बहुत वैसे करा। लेकिन लेके आए तो, जब लेके आए तो गुरुदेव ने तुरंत इन्हें ब्रह्म विद्या उसी समय दे दी। बहुत बड़े उत्तंग ऋषि हुए, जो जन्मेजय थे ये इनके पुत्र परीक्षित के। परीक्षित को जब यज्ञ करना था, क्योंकि उस समय तक्षक सांप और ये सारे सांप, उन्होंने कहा था ना सांप आएगा, तक्षक सांप आएगा और परीक्षित को डस लेगा, तो इन्होंने कहा भैया यज्ञ करो, उससे तक्षक से मेरी भी खुंदक है। तो ये उस समय जो यज्ञ करने वाले थे ये उतंग ऋषि थे, जन्मेजय ने जो वो कराया था हवन वो इन्हीं से कराया था, क्योंकि इनका अपना भी था कि ये तक्षक को मैं देखता हूँ, ये मेरे वो अभी कंगन लेके चला गया था, तो तक्षक को इन्होंने खींच लिया था अपने उसमें हवन में। तो खैर बड़ी फिर लंबी महाभारत की, और इनकी भी लंबी कथा मैंने आपको संक्षिप्त में सुनाई है। तो ये सब बाबा ने उदाहरण दिए कि ये देखो गुरु कृपा से, गुरु सेवा से, वेदे गाए जहाँ रे चरित्र, ये सारे वेदों में इनके ये चरित्र लिखे हैं, महाभारत में, चंडोग्य उपनिषद में और इसमें, कि कैसे कैसे इन्होंने केवल गुरु सेवा से ही सारी ब्रह्म विद्या और ये सब प्राप्त कर ली थी। तो गुरु सेवा में संलग्न होके अनुषांगिक रूप से ये संसार जो है हम सबका भी क्षय हो जाएगा और भगवत प्राप्ति प्राप्त होगी। जय राम।